जी, तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में एक सीरीज लाई करती है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में कार्बन फैमिली, जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये पांच एलिमेंट होते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अब होता क्या है कि जो टिन और लेड होते हैं वो तो बहुत हैवी होते हैं, बचा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। कार्बन काफी हद तक इंसुलेटर टाइप होता है, तो काम के अपने पास सिर्फ दो एलिमेंट है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। कौन है बोलो? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम ही सेमी कंडक्टर कहलाते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या कहलाते हैं? सेमी कंडक्टर। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में ऐसा क्या खास है? तो इसको मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ, जिसको बोलते हैं बैंड गैप। ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप मैंने बताया था, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं, किसी भी मटेरियल में जो सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी मटेरियल में जो सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही रिएक्शन से पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। बट दिक्कत ये होती है कि जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस न्यूक्लियस से इतना दूर हो जाते हैं कि वो बाकी न्यूक्लियस के साथ भी इंटरेक्ट करने लगते हैं। तो जो एक इलेक्ट्रॉन है सबसे आउटर वाला, उसके पास इधर न्यूक्लियस, इधर न्यूक्लियस, इधर न्यूक्लियस, इधर न्यूक्लियस, चारों तरफ न्यूक्लियस, चारों तरफ न्यूक्लियस। तो वो एक न्यूक्लियस की बजाय सारे न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वो क्रिस्टल लैटिस के साथ बिल्कुल एक सेवर टाइप का इलेक्ट्रॉन बन चुका है। तो उसकी जो एनर्जी हम लोग डिस्क्रीट एनर्जी लेवल निकालते हैं, कि एक सिंगल तुमने वैल्यू बता दी, -13.6, -10.2, -3.4, -1.51, -0.85, -0.58, ये जो वैल्यू बताई जाती है ये डिस्क्रीट वैल्यूज, ये तब बताते एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट कर रहा हो। अब हमारे पास पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट के जो कई सारे इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन एक सिंगल एनर्जी लेवल को बिलोंग ही नहीं करते, उनकी जो एनर्जी होती है वो केस टू केस वेरी करती रहती है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन की एक सिंगल पिन पॉइंट एनर्जी नहीं बता सकते, हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की रेंज बताते हैं, जिसको बोलते हैं बैंड। क्या बोलते हैं? बैंड, एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का एक रेंज में लाई करना, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का एक रेंज में लाई करना। तो उस बैंड में सबसे कई सारे बैंड हो सकते हैं, कई सारे बैंड। एक होता है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल और एक होता है एनर्जी का बैंड। तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल कैसे बात करती है? डिस्क्रीट मतलब देखो, ये जैसे हाइड्रोजन की बनाई थी, हाइड्रोजन में करना बड़ा आसान था, एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस। तो वहां पे हम बोलते थे देखो, सबसे नीचे वाला -13.6, बोलो कितना? -13.6। अगला बोलते थे -3.4, फिर अगला बोलते थे -1.51, फिर -0.85, फिर -0.54, फिर -0.27, ऐसे करते हुए चलता जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे पास बड़े बड़े सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस टाइप के जो एलिमेंट हो, सिलिकॉन, जर्मेनियम कोई भी बात करें, तो उसमें तुम्हारे पास क्रिस्टल लैटिस है। क्रिस्टल लैटिस का मतलब है एटम 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 स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे सिंगल डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई नहीं करते। हाँ, ये जरूर है कि इलेक्ट्रॉन की कुछ में ज्यादा एनर्जी, कुछ की कम एनर्जी, कुछ की उससे कम एनर्जी। तो हम एनर्जी की रेंज बताते हैं, एनर्जी की रेंज, कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन तो कम एनर्जी वाले होंगे इतने से इतने के बीच में, उससे ज्यादा वाले इतने से इतने, उससे ज्यादा वाले इतने से इतने के बीच में। उन रेंज को बोलते हैं बैंड। क्या बोलते हैं? बैंड। और उसमें भी जो तो सबसे काम के बैंड होते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन ही तो तुम्हारे काम करते हैं, उसको एक को बोलते हैं कंडक्शन बैंड, एक को बोलते हैं वैलेंसी बैंड। सबसे ऊपर वाला बैंड होता है कंडक्शन बैंड, इसमें वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, जो करंट फ्लो कराते हैं, जो मटेरियल को कंडक्टिविटी देते हैं, उनको बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कौन है? तो बैंड गैप थ्योरी के हिसाब से कंडक्शन इलेक्ट्रॉन वो है जो कंडक्शन बैंड में लाई करते हैं, जो किसमें लाई करते हैं? कंडक्शन बैंड। अब उससे जस्ट नीचे जो बैंड होता है, जस्ट नीचे, क्योंकि बैंड तो बहुत सारे होते हैं, उससे जस्ट नीचे वाला बैंड होता है वैलेंसी बैंड। कौन सा बैंड होता है? वैलेंसी बैंड, वैलेंसी बैंड होता है। तो वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड दो सबसे आउटर मोस्ट बैंड है। इसके बाद और भी बैंड होते होंगे, हमें कोई मतलब नहीं। ठीक, हाईएस्ट कौन कौन सा होता है बोलो? कंडक्शन। उसके नेक्स्ट ये क्या होता है? वैलेंसी। अब कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, ये मटेरियल टू मटेरियल, टेम्परेचर टू टेम्परेचर, केस टू केस वेरी करता है।
उसी मटेरियल में ज्यादा टेम्परेचर पे हो सकता है कुछ और सिनारी होता हो, इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाके कुछ हो सकता है जम कर जाए, और कम टेम्परेचर पे कुछ और मटेरियल टू मटेरियल हो सकता है एक ही टेम्परेचर पे सोडियम किस और तरह से बिहेव करे, ऑक्सीजन कुछ और तरह से बिहेव करे, कार्बन कुछ और तरह से बिहेव करे। तो मटेरियल टू मटेरियल, टेम्परेचर टू टेम्परेचर, डोपिंग टू डोपिंग, इम्प्योरिटी टू इम्प्योरिटी, देर आर सेवरल फैक्टर्स जिन पे डिपेंड करता है, लेकिन उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है टेम्परेचर। क्या है टेम्परेचर? नॉर्मली क्या होता है, जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें रूम टेम्परेचर पे भी ये वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड इतने पास पास होते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जब मर्जी चाहे वो कंडक्शन बैंड में स्विच कर जाता है। जैसे आयरन है, इस आयरन में क्या खास बात है, आयरन तुम अभी भी अगर बैटरी से लगाओ तो कंडक्टर है, इसका मतलब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया, ऐसे तो ना बैठे हुए थे, वो जरा से भी तुम्हारा बैटरी से एनर्जी पाके ये कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन है जो कंडक्टिविटी देने लगते हैं। कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, इसका मतलब थे तो वो न्यूक्लियस के पास वैलेंसी बैंड में, वो तुरंत वैलेंसी वाले कंडक्शन में पहुंच जाते हैं। तो जब वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है वो बहुत कम होता है ऐसा, तो उसको बोलते हैं कंडक्टर। ऐसे ओवरलैप कर जाए या उनके बीच का गैप बहुत कम हो तो उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं? कंडक्शन। अगर गैप बहुत ज्यादा है तो कंडक्टर का उल्टा होगा, क्या होगा? इंसुलेटर। ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा कम तो कोई वैल्यू तो बतानी पड़ेगी, तो तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितने? तीन, 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 कितने? तीन, कितने? तीन, तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर एनर्जी ज्यादा है तो हम उसको बोलेंगे इंसुलेटर। ये जो एनर्जी का गैप होता है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड एनर्जी गैप। बताया कि नहीं बताया? फॉरवर्ड एनर्जी, इसको ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं? ईजी। तो अगर ईजी ज्यादा हो, तीन से ज्यादा हो, तो उसको बोलते हैं बेटा इंसुलेटर। क्या बोलते हैं बेटा? इंसुलेटर। और अगर गैप बिल्कुल कम हो, जीरो ही हो, तो क्या उसे बोलते हैं? कंडक्टर। और अगर गैप ना तो जीरो ना तीन से ज्यादा है, पांच दस, वो डेढ़ दो ऐसा कुछ टाइप का है, ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा, बीच का है। कैसा है? बीच का। तभी तो वो कंडक्टर इंसुलेटर दोनों बन सकता है, जब चाहता वो कंडक्टर बन जाता, सेमी कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर इंसुलेटर के बीच की जो कड़ी है उसी को सेमीकंडक्टर कहते हैं। वही होता है बेटा सेमीकंडक्टर। वही क्या होता है? सेमीकंडक्टर। बोले बात समझ में आई? बैंड गैप थ्योरी, तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखोगे, बैंड गैप बना लिए थे, मतलब बनाने नहीं बनाने। सेमीकंडक्टर के लिए अलग अलग होता है, जैसे सिलिकॉन के लिए पॉइंट बताता हूँ, जीरो से थ्री। हाँ, तो ये थ्री से बड़ा, ये तुमने बहुत बढ़िया पूछा, वैद पूछा थ्री वाले किस पे लाई करेंगे, तो थ्री वाले जो होंगे वो सेमी कंडक्टर, थ्री वाला ऐसा कोई है नहीं, और थ्री वाला अगर कोई अगर होगा तो वो बाउंड्री केस होगा, कोई ऐसी कोई वो थोड़ी ना कि थ्री वाला होगा तो उसको क्या सेमी कंडक्टर बोले कि इंसुलेटर बोले, वो ऐसा सेमी कंडक्टर होगा जो इंसुलेटर जैसे ही होगा ऑलमोस्ट, ठीक, उसकी कोई कंडक्टिविटी नहीं हो। सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए इनकी वैल्यू 0.7 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 1.1 वोल्ट ऐसे कुछ लाई करती है, तो ये तुम्हारी करीब एक वोल्ट एवरेज वैल्यू बोल दो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है, ठीक है। सुपर कंडक्टर इसमें नहीं लाए करते, सुपर कंडक्टर तो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं और उनका जो वजह होती है वो टेम्परेचर होती है, उनको बहुत ठंडे टेम्परेचर पे रख देते हैं, ठीक है, तो वो इसका इसका इस सबसे कोई लेना देना नहीं उनका। यहाँ पे तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट ऐसा है, वो तो सुपर कंडक्टर हमने क्या किया, अल्ट्रा उनके टेम्परेचर हमने कम कर दिया, और टेम्परेचर कम करने से जरा सा भी तुम वोल्टेज लगाओ वो तुरंत डिफरेंट लॉसेस से दौड़ने लगते हैं, तो उनका तो रीजन ही डिफरेंट, ठीक है। और वैसे भी हम उनको बनाते हैं किसका, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टाइप का बनाते हैं, ऐसे इनफैक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल का बनाते हैं, तो वो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनका, उसका वो अलग है, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है वो, ये बैंड गैप थ्योरी से उसको मतलब है। हाँ बिल्कुल है, सुपर कंडक्टर से मैग्लेव ट्रेन सुना, मैग्लेव जापान में मैग्लेव ट्रेन चलती है, तो उसमें क्या होता है, सुपर कंडक्टर डायमैग्नेटिक होते हैं, रिपेल कर लेते हैं, तो क्या होता है, नीचे की जो पटरियां होती हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं, और जो ट्रेन होती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड वो सुपर कंडक्टर मटेरियल की होती है, वो मैग्नेटिक मैग्नेटिक दूसरे को डायमैग्नेटिक क्या करते हैं, रिपेल, तो वो कभी वो जो ट्रेन ट्रैक में चलती नहीं, वो हवा में चलती है ट्रेन, तभी वो तेज चल लेती है, इसीलिए उसको मैग्लेव ट्रेन या बुलेट ट्रेन जिसके, नहीं मोदी जी लाने की बात कर रहे हैं, जापान से बात कर रहे हैं, वो वही होती है, वो सुपर कंडक्टर किसी बनी होती है, ठीक है। तो खैर एनीवे, अभी हमारे इसका कोई मतलब नहीं है उससे, बोलो ये बात समझ में आ गई बेटा, ऑनलाइन में सबको समझ में आ गई? तीन कितने लोग हैं ऑनलाइन में? यस सर, यस सर, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक वो जो अपने बिल्कुल नेचुरल स्टेट पे हैं, तुमने जमीन से खोद के सिलिकॉन ले आए, बिल्कुल सिलिकॉन रिफाइन करके रख लिया, लेकिन सिलिकॉन में कुछ मिलावट विलावट नहीं की है, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक। लेकिन ये किसी काम के नहीं होते, नकारा होते हैं,
बिल्कुल जैसे तुम लोग हो, तो बुरा लगा। तो ऐसे जो खुद होते हैं उन्हें बोलते हैं इंटर्नशिप। तू कहाँ गायब थे इतने दिनों से? हैं? स्कूल में पेपर चल रहे थे? सच से बताना। तो चलो ठीक। देखो ऐसा है कि सुबह जैसे मैं तुम लोगों की रखता था एक्स्ट्रा क्लासेस, बट अब नहीं रख पा रहा हूँ। मैंने तुमको बताया भी था कि अब यहाँ पे तुम्हें देखा होगा नीचे PS1 PS2 PS3 कैसे है। कैसे अरे बच्चे यहाँ भी रहते हैं ना, हम लोग कैसे PS1 PS2 PS3 तीन तीन PS चलने लगे। यही फोन करना पड़ेगा, तीन पावर स्टेप एक साथ स्टार्ट हो गए हैं तीनों जो है। तीन तीन, हाँ तीनों लेते हैं। हाँ दिक्कत ये नहीं कि बच्चे आ जाए, दिक्कत ये है कि उनका सिलेबस अलग अलग चल रहा है, इसलिए उनको अलग अलग किया गया है। हाँ ऐसा है कि उसमें मैं तुम लोगों को बता, सेमी कंडक्टर दो टाइप के होते हैं। सेमी कंडक्टर याद कर लिया था बेटा? सेमी कंडक्टर किए थे तुमने लास्ट क्लास में? कब से छूटा हुआ तुम्हारा? मैंने अभी 5 क्लास अटेंड नहीं किया। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो सेमी कंडक्टर स्टार्ट किया मैंने, ऐसे सेमी कंडक्टर जो कि अपने नेचुरल स्टेट पे होते हैं उनको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। और जिनमें, क्योंकि किसी काम के नहीं होते, नकारा होते हैं, तो इनमें मिलावट करनी पड़ती है। और मिलावट करने से डोपिंग करने को, उसको हम लोग बोलते हैं डोपिंग। क्या करने से? डोपिंग। ये अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। ये होते हैं प्योर, ये प्योर, इनमें कोई तुमने मिलावट नहीं की है, नो एक्सटर्नल इम्प्योरिटी। और जब तुम मिलावट कर देते हो, इम्प्योरिटी डाल देते हो, और डिलीबरेट इम्प्योरिटी, ऐसे नहीं कि कुछ भी डाल दिया, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रेंसिक। और एक्सट्रेंसिक भी किस टाइप की तुमने इम्प्योरिटी डाली है उसके बेसिस पे दो टाइप के होते हैं। एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। एक होता है पी टाइप, एक होता है पी, पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर नेगेटिव। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब पी टाइप पी और एन नेगेटिव, पी पॉजिटिव एन नेगेटिव। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो एक इंटेंसिक सेमी कंडक्टर कैसा होता है। तो इंटेंसिक सेमी कंडक्टर में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड में हमारे काम के दो ही हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिनमें तुम्हारे पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? चार, चार इलेक्ट्रॉन। अब चार इलेक्ट्रॉन किसी न किसी से रिएक्शन करेंगे, तो जब वो क्रिस्टल बनता है तो उसमें सिलिकॉन के भाई एटम एटम इस तरह से अरेंज होते होंगे। कुछ सिलिकॉन के एटम क्या होते होंगे? अरेंज। कैसे अरेंज होते होंगे? सिलिकॉन के एटम इस तरीके से अरेंज होते हैं कि हर एक सिलिकॉन के पास शेयर करने के लिए चार इलेक्ट्रॉन है। तो उसके इस जो बगल में सिलिकॉन है उसके पास भी तो चार इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा? 4x4 का एक मैट्रिक्स बनाएगा। तो इसके इसका जो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए वो अपने नेबरिंग के इसके साथ शेयर करेगा, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है इसके साथ शेयर करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये इसके इधर वाला को शेयर करेगा, इसका इधर शेयर करेगा, और ये बाकी वही पैटर्न रिपीट करेगा। कैसे शेयर करेगा? आयनिक बॉन्ड तो हो नहीं सकता क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक में कोई डिफरेंस नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड से इस तरीके से 4x4 का मैट्रिक्स बनता है। मतलब हर सिलिकॉन के चारों तरफ चार सिलिकॉन के एटम। कितने? चार। चार इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए चार एटम। 3D भी तो होगा ये, हाँ 3D होगा। हाँ तो 4 से ज्यादा ही आ बिल्कुल नहीं, चार ज्यादा कैसे आ जाएंगे भाई? ये चार है, ये चार, ये चार का मतलब ये है कि जैसे तुम्हारा वो चेंज हो। नहीं, चार इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है ही नहीं, तो चार तो शेयर होंगे। ये तुम ऐसे समझ लो कि सीट्स बनी हुई है, सीट्स बनी हुई है। अब ये सीट आपस में कौन से मॉलिकुलर फोर्सेस से जुड़ी हुई है, या तुम्हारे इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस, इंटर एटमिक फोर्सेस, जो भी इंटरवर्ल्ड फोर्सेस है हमें नहीं पता, वो तो केमिस्ट्री वाला पार्ट है। लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है वो चार का ही होता है, चार से ज्यादा का नहीं हो सकता। अब ये चार इलेक्ट्रॉन बाकी से शेयर्ड है। अब नॉर्मली क्या होता है, ये जो सिलिकॉन जब अपने प्योर फॉर्म में होता है, इंट्रिंसिक फॉर्म में होता है, तो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आराम से बिल्कुल बॉन्डेड है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, यही चारों इलेक्ट्रॉन तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं क्योंकि आउटर मोस्ट है। तो अगर ये बंधे रहेंगे, जब तक बंधे रहेंगे तब तक कंडक्टिविटी आएगी नहीं। कहां से आएगी कंडक्टिविटी? ये चारों तो बॉन्डेड है, ये चारों तो बॉन्डेड है। ये कनेक्टिविटी तभी बढ़ेगी जब ये बॉन्ड टूटे और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो, इस जेल से निकले और फिर दौड़े इधर उधर। जब तक इनको पकड़ के रखोगे तब तक ये कोई कनेक्टिविटी नहीं। अब ये बॉन्ड टूटेंगे कैसे? तो उसका आंसर है टेम्परेचर, हीट से। किससे? हीट। तो थोड़ी देर लास्ट क्लास में किसी ने, तुमने पूछा था ना कि टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ेगा, हीट से क्या फर्क पड़ेगा, तो वो पॉइंट अब आ रहा है।
जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे थिरकने लगेंगे, ये एनर्जी पाके थर्मल मोशन करने लगेंगे, और थर्मल मोशन करेंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे समझ लो कि बॉन्ड इन इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है और टेम्परेचर इन इलेक्ट्रॉन को दूर दूर रेंडमली बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करता है, इनको रेंडमाइज करने की कोशिश करता है, डिसऑर्डरनेस बढ़ाता है, और बॉन्ड इनका ऑर्डरनेस बढ़ाता है, बॉन्ड इनको पकड़ के रखता है, इलेक्ट्रॉन टूटने की कोशिश करते हैं। बोलो बात समझ में आई? तो अब होता क्या है कि अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब -273, तो वहां पे सारे चीजों की चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल चाहे इलेक्ट्रॉन वीआर में जीरो हो जाती है, इलेक्ट्रॉन चलना बिल्कुल बंद कर देते हैं, बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। तो वो रुके हुए इलेक्ट्रॉन तो पूरी तरीके से बॉन्डेड है, तो एब्सोल्यूट जीरो पे कोई भी सेमीकंडक्टर पूरी तरीके से इंसुलेटर होता है। क्या होता है? पूरी तरह से इंसुलेटर, क्योंकि उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है कंडक्शन के लिए, सारे सेमीकंडक्टर। इनफैक्ट ये तो मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए कॉन्टेक्स्ट में लिखा, इसलिए लिख दिया है, बट कोई भी चीज जब एब्सोल्यूट जीरो पे पहुंचती है तो चलना बंद कर देती है, और जब इलेक्ट्रॉन चलना बंद कर देंगे -273 डिग्री सेल्सियस जीरो केल्विन को ही तो बोलते हैं, जीरो केल्विन को तो बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो, -273। तो क्या वहां पे जब इलेक्ट्रॉन चलना बंद कर देंगे तो ये इंसुलेटर है, क्या है? इंसुलेटर। अब टेम्परेचर बढ़ाओ तो ये इलेक्ट्रॉन थिरके, ये इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन थे बंधे हुए थे, दो इलेक्ट्रॉन बंधे हुए थे, ठीक, पहले दोनों इलेक्ट्रॉन बंधे हुए थे, बंद हो, आओ लाओ हाथ में लाओ, कोरोना नहीं, हमको कोरोना था 6 महीने पहले हुआ था, अब ठीक हो गया। तो अब ये देखो दो इलेक्ट्रॉन पहले T=0 पे बंधे हुए हैं, ये इंसुलेटर है, क्या है? इंसुलेटर। अभी थिरकने लगे, टेम्परेचर बढ़ा, बढ़ाओ टेम्परेचर, बढ़ा 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 बढ़ा, और ये टूट गए। तो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते इनके बॉन्ड टूटने लगते हैं, किसके टूटेंगे? कुछ के टूट जाते हैं, कुछ नहीं टूटते हैं, हमारा नहीं टूटेगा, नहीं टूटा, इसकी इलेक्ट्रॉन की मर्जी नहीं टूटा, और रीड दोगे तो और टूट जाएंगे। तो इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने पे तुम्हारे बॉन्ड टूटते हैं और इलेक्ट्रॉन बनते हैं, क्या बनते हैं? इलेक्ट्रॉन, और वो कंडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है, जबकि कंडक्टर के साथ क्या होता था, उनमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटती, उनके उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती थी, अगर तुम याद करो तो उनकी जो कंडक्टिविटी लिखी जाती थी σ = nu, उसमें एक टर्म आता था मोबिलिटी, टेम्परेचर कैरियर। हमारे दिमाग में ऐसा बैठा होगा कि इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर होते हैं खाली, बट चार्ज जो हम लोग बोलते हैं कोई रियल में चीज नहीं होती, चार्ज किसी पे दिख नहीं सकता, नेगेटिव पॉजिटिव दिखता है क्या चार्ज? कुछ ऐसा होता है कि चार्ज पूरी तरह से हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकली तो है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी करता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन एक हाइपोथेटिकल चार्ज है नेगेटिव, वैसे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी भी एक हाइपोथेटिकल चार्ज है पॉजिटिव, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो उसकी कमी पॉजिटिव होगी, भाई लाइट की कमी डार्कनेस है, डार्कनेस की कमी लाइट है, तो वैसे इलेक्ट्रॉन की जो वैकेंसी होती है उसको बेटा होल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? होल, होल बोलते हैं, और वो भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट चार्ज कैरियर है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन टूटा मैं वो तो कहीं भाग ही सकता है, और होल अपनी मर्जी से अलग भाग सकता है। होल इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो होल उसके इक्वल एंड अपोजिट पॉजिटिव, ठीक है? तो दो, एक बॉन्ड टूटता है तो दो चार्ज कैरियर बनते हैं, एक बनता है इलेक्ट्रॉन और एक उसकी बनती है वैकेंसी, जिसको बोलते हैं होल, होल क्या बोलते हैं? होल, इलेक्ट्रॉन और होल। तो जब भी बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन भी बनेगा, एक होल बनेगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा। तो एक सेमीकंडक्टर में दो टाइप के चार्ज कैरियर होते हैं, कौन से बोलो? इलेक्ट्रॉन और होल। कौन ज्यादा होंगे कौन कम होंगे? तो बनेगा एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक ही होल तो बनेगा, तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन टूटे तो 10 होल बनेंगे, तो 100 टूटे तो 100 बनेंगे, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल में दोनों कौन कम ज्यादा, कौन ज्यादा कौन कम, कि दोनों सेम है? Ne=NH, देख लो Ne=NH। सेमीकंडक्टर में अगर इंटेंसिक है तो Ne=NH होता है, दोनों सेम होते हैं। होल कैसे मूव कर रहे हैं? होल कैसे मूव कर रहे हैं? बात सही है, देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये होल है। अब ये इलेक्ट्रॉन और होल में ये देखो बेटा, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो देखो जब ये बॉन्ड टूटेगा, ये होल बना, तो जरूरी नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन, ये तो इलेक्ट्रॉन अपना भाग गया, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है
वो इसकी जगह लेने आया इधर, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर चला, जैसे नेगेटिव चार्ज इधर चला तो पॉजिटिव चार्ज उसके अपोजिट माना जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज यू मान लो होल इधर चला गया, भाई इलेक्ट्रॉन कहीं से उठ के आया होगा तो उसने अपनी जगह तो वैकेंसी क्रिएट कर दी, तो होल कैसे चला, इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट। जैसे करंट कैसे मानते हो, पॉजिटिव चार्ज कैसे मानते हो, पॉजिटिव चार्ज अभी चलता ही नहीं, कौन चलता है, न्यूक्लियस तो नहीं चलता है, तो करंट में पॉजिटिव चार्ज कैसे मानते हैं, इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट, हाइपोथेटिकल वो भी होता है, हाइपोथेटिकल ये भी होता है, तो होल तुम्हारा इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट चलते हैं, इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट, बोले बात समझ में, हाँ चलते रहते हैं। लेकिन दिक्कत ये कि बहुत टेम्परेचर बढ़ाने पर बॉन्ड बहुत कम टूटते हैं, बॉन्ड बहुत कम, तो बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी नहीं मिलती। तो एक यूट्यूब में एक वीडियो पड़ा हुआ है और तुम लोग देखना उसको, क्या है वीडियो देना, नहीं नहीं वीडियो यूट्यूब नहीं मांग रहा हूँ, देखो ये वीडियो है, देखो एक सेमी कंडक्टर सिलिकॉन की चिप है, बिल्कुल जैसे नहीं डिस्केट होती है वैसे, ये सेमी कंडक्टर की चिप है, इससे एक वायर ऊपर एक वायर नीचे, एक बैटरी और इधर एक बल्ब। अब मैंने क्या किया, बैटरी से बल्ब को कनेक्ट अगर सीधे किया होता तो बल्ब जल गया होता, सेमी कंडक्टर से पास कराया बल्ब नहीं जलता, क्यों, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे सेमी कंडक्टर के इतने कम इलेक्ट्रॉन होल होते हैं कि वो कंडक्टिविटी को इतना खास नहीं देते, बल्ब नहीं जल पाता। अब मैं क्या करूं, एक बड़ा सा बर्नल लेके आऊं, सिगरेट लाइटर नहीं होता जैसे ऑन और फिर ऑफ, तो अब मैंने उस लाइटर को लेके आया और सेमी कंडक्टर के नीचे लगा दिया, सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर तुरंत बढ़ गया, तुरंत उसकी कंडक्टिविटी दिखाया उसने कि बिल्कुल जैसे ही लाता है तुरंत उसमें बल्ब जलने लगता है, तो जैसे ही हटा देता है वो बल्ब, वो हटा देता है हीटर बर्नर, तुरंत वो ऑफ हो जाता है, क्योंकि मतलब जैसे ही उसने हीट दिया टेम्परेचर दिया तो बॉन्ड टूटे, और वो बॉन्ड टूटे तो इलेक्ट्रॉन होल बने तो कंडक्टिविटी बढ़ गई तो बल्ब जल गया तो कंडक्टर की तरह बन गया, और जैसे टेम्परेचर हटा लोगे तो इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेड बने रहेंगे कि वापस आ जाएंगे, वापस इलेक्ट्रॉन होल फिर से बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि बॉन्ड बनाने में स्टेबिलिटी बढ़ती है ना, तो उनका फायदा तो स्टेबिलिटी में है ना, बॉन्ड बनाने में, उनका बॉन्ड तोड़ने में थोड़ी ना है, तो वो फिर से बना लेंगे बॉन्ड और फिर से तुम्हारा वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह करेगा, इंसुलेटर, यही कहानी होती है। वीडियो अभी शेयर कर देते हैं, अभी शेयर कर देते हैं तुम्हारे ग्रुप पे, सर ये दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते, क्या कह रहे हो, दोनों सर दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते, निकल सकते हैं, आया नहीं, एक सेकंड, क्या तुम्हारे बैच के नाम क्या है, जीआईएबी, चलो मिला, भेज दिया मैंने, भेज दिया, यस सर आ गया, तब देखना अभी मत देखने लगना, अरे भैया बंद कर लो, हमने कहा जब टाइम मिले तब देख लेना, तुमको भी टाइम, क्या कह रहे हो सर, ये v is equal to 0 किस चीज के लिए लिखा है, v is equal to 0 कहां लिखा है, v is equal to 0, अच्छा t is equal to 0 पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 0 होती है, नहीं होती, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अंडर रूट 3 rt / m, यस ड्रिफ्ट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी है, टेंपरेचर वाली, ये इलेक्ट्रॉन की टेंपरेचर वाली थर्मल वेलोसिटी है, rms वेलोसिटी अंडर रूट 3 rt / m, ठीक है समझ गए, वेथ, चलो yes, तो अब टेम्परेचर बढ़ाओ बॉन्ड टूटे, बॉन्ड टूटे तो इलेक्ट्रॉन होल, तो कनेक्टिविटी बढ़ी, कनेक्टिविटी बढ़ती गई, लेकिन दिक्कत है, दिक्कत ये है कि तुम हर बात हो ना बर्नल लगाते रहोगे, जब जब बल्ब जलाना है तो बर्नल लगाओ, है वो नुकसान हो जाएगा, और कंप्यूटर तो बन ही नहीं सकता, ऐसा तो नहीं कंप्यूटर जब बनाना हो सब काम कराना तो बर्नल लगाओ और बर्नल हटा लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये जो कंडक्टिविटी टेम्परेचर की वजह से आ रही है यूजलेस है, इसलिए हमें दूसरा तरीका अख्तियार करना पड़ता है, वो दूसरा तरीका इसमें इम्प्योरिटी डाल के, और इम्प्योरिटी जब डालते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, क्या बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, ये समझ आ गया इंट्रिंसिक, चलो ये समझ में आ गया था कि जो यहाँ पे कंडक्टिविटी है जैसे सिग्मा इज इक्वल टू एनी म्यू हम लोगों ने पढ़ा था, कंडक्टर में तो कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से दिखा ली, यहाँ पे दो चार्ज कर रहे इलेक्ट्रॉन और होल, होल क्या होता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे चार्ज कैरियर बढ़ते हैं, नए पेयर टूटते हैं तो कनेक्टिविटी बढ़ती है और रेजिस्टेंस घटता है,
और यहाँ पे कंडक्टिविटी दोनों की वजह से है, इसलिए सिग्मा जो होता है वो एनी म्यू इलेक्ट्रॉन का भी और एनी म्यू होल का भी। एन क्या होता था अगर याद करो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ई होल्स का भी चार्ज है, वहां पे मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की है, यहाँ पे मोबिलिटी होल्स की, और दोनों की वजह से कंडक्टिविटी आएगी, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजिली मोबाइल होते हैं, होल को तो वेट करना पड़ता कि कोई आए, इलेक्ट्रॉन लेकिन फ्री टू मूव है, इसलिए मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की होल से ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है वो डिपेंड करेगा कौन सा मटेरियल है, अलग अलग मटेरियल के अलग अलग होती है, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम दोनों के लिए सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री टू मूव है, उसे किसी पे डिपेंड नहीं करना है, लेकिन होल किसी का वेट करेगा, कोई आया उस बॉन्ड में बैठे तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री टू मूव है, इसलिए वो उसके रेस्पेक्ट में, होल के रेस्पेक्ट में ज्यादा इजीली मूव कर सकता है, इसलिए उसकी मोबिलिटी ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन जो निकला वो तो चल नहीं रहा है, कनेक्टिविटी दे रहा है, लेकिन होल अभी कहाँ चला, होल तो वेट कर रहा है ना, कोई आए, जब तक वो आएगा नहीं कोई तो वो शिफ्ट कहां से होगा, इलेक्ट्रॉन तो तुरंत देने लगा कनेक्टिविटी, होल तो वेट कर रहा है, जब कोई उसकी जगह भरे तब वो होल शिफ्ट हो, इसलिए होल अपनी जगह पे ही है, इलेक्ट्रॉन तो चलने लगा तुरंत चलने लगा। ये समझ में आ गया? तो ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जो सिग्मा है वो क्या है, एनी म्यू इलेक्ट्रॉन का, एनी म्यू होल्स का, दोनों का सम है। अब मैंने क्या किया, मुझे ये समझ में आ गया कि इम्प्योरिटी डालनी पड़ेगी तभी कुछ हो पाएगा, बार बार से बंधन थोड़े लगाते रहेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, कुछ बाहर से डाल दिया, ऐसा मटेरियल जो कि चार वाले से एक इलेक्ट्रॉन या तो ज्यादा है या तो एक इलेक्ट्रॉन कम है। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा वाला नाइट्रोजन सीरीज होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑर्गेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, पेंटावेलेंट इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। और या तो एक इलेक्ट्रॉन कम वाला तो तीन, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, बोरॉन सीरीज, इनको ट्राइवेलेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बन को टेट्रावेलेंट है, तो टेट्रा में या तो पेंटा मिला दो या ट्राई मिला दो, अगर पेंटावेलेंट मिला है तो क्या होगा और अगर ट्राई मिला है तो क्या होगा, तो दोनों करके बताते हैं, बट दोनों में एक चीज कॉमन है, हाँ, जो भी तुमने चीज मिलाई उसको डोपेंट बोलते हैं, प्रोसीजर को डोपिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं डोपिंग, और जो बनेगा उसे बोलेंगे एक्सट्रिंसिक। लेकिन ये याद रखना तुम्हारे पास एक न्यूट्रल सिलिकॉन की लेयर है और उसमें भी तुमने न्यूट्रल बोरॉन या एल्युमिनियम या न्यूट्रल नाइट्रोजन फास्फोरस मिलाया है, तो न्यूट्रल चीज न्यूट्रल से मिलकर न्यूट्रल ही रहेगी। तो ये मत सोचना कि N मतलब कुछ निगेटिव है या P पॉजिटिव, ओवरऑल पहले भी न्यूट्रल है अभी भी न्यूट्रल है, और N P क्यों करते हैं वो भी बताऊंगा। कोई भी इम्प्योरिटी जब डाली जाती है तो इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे तुमने क्या किया, दूध में पानी मिला दिया, पानी में तो दूध नहीं मिलाते हो ना, तो अलग चीज हो जाएगा, इसका मतलब मेजोरिटी कौन है, माइनॉरिटी कौन है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इम्प्योरिटी, हाँ इम्प्योरिटी जानबूझ के कम ही डालते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डाल देंगे। अगर तुम सिलिकॉन में इम्प्योरिटी डाल रहे हो तो सिलिकॉन का अपना एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन की अपना एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, अब तुम नाइट्रोजन फास्फोरस ऑर्गेनिक टाइप की पेंटावेलेंट डाल रहे हो तो ऐसा नहीं कि तुमने इतनी ज्यादा इम्प्योरिटी डाल दी कि सिलिकॉन बेचारे कम पड़ गए और नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लिए, डर के मारे सिलिकॉन इतना ज्यादा है कि नाइट्रोजन को सिलिकॉन के आगे झुकना पड़ेगा, वो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेगी, किसका अडॉप्ट करेगी, सिलिकॉन। तो एक जो ओरिजिनल तुम्हारा बेस है वो टेट्रावेलेंट है और टेट्रावेलेंट ही रहेगा, क्या रहेगा, टेट्रावेलेंट, उसमें तुमने डाला है या तो ट्राइवेलेंट या तो पेंटावेलेंट। तो मान लो मैंने एक सिलिकॉन के क्रिस्टल में बोरॉन डाल दिया, बोरॉन क्या होगा, तीन टेट्रावेलेंट, बोरॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तीन इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में आके बैठ गया, तो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया क्योंकि सिलिकॉन ज्यादा है, वो इम्प्योरिटी मैंने बताया कम है, तो वो बोरॉन आके सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में बैठा तो उसके अगल बगल चारों तरफ सिलिकॉन ही सिलिकॉन है, सिलिकॉन के जंगल में घुस गया आके, और सिलिकॉन कितने हैं चारों तरफ, हर उसने किसी एक सिलिकॉन एटम की डिटेल ली है जिसके चारों तरफ चार सिलिकॉन के एटम थे, लेकिन बोरॉन के पास तो बेटा तीन इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, सिलिकॉन होता तो चौथा भी होता, बट सिलिकॉन नहीं है ना, बोरॉन है, बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास शेयर करने के लिए नहीं नहीं है ना, नहीं है, तो सिलिकॉन तो बैठा अपने इलेक्ट्रॉन लेके, पर बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है शेयर करने के लिए, उसने इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी शेयर की,
अगर इलेक्ट्रॉन नहीं शेयर किया तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी शेयर की है, उस हाइपोथेटिकल डिफिशियंसी को हम लोग क्या बोले, होल। तो हर बोरॉन एटम अपने साथ एक होल लेके आ रहा है, हर बोरॉन एटम अपने साथ क्या लेके आ रहा है, होल। होल भी एक हाइपोथेटिकल चीज है, तो ठीक है हाइपोथेटिकल तो इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो बोरॉन हाँ बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज बोल रहे हैं नेगेटिव, वो क्या है, किसने देखा कोई चार्ज, चार्ज दिखता थोड़ी ना है, अरे एक हाइपोथेटिकल वैल्यू असाइन की है, तो वैसे होल पे भी असाइन कर दिए। अच्छा इलेक्ट्रॉन के मास होता है, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एक पार्टिकल होता है, फ्लॉट इलेक्ट्रॉन को भी किसी ने देखा, इलेक्ट्रॉन भी हम लोग कैसे भाई, अगर वो वेव नेचर में चलता है, ऐसे चलता है तो एनर्जी होती होगी कुछ, किसी को नहीं पता कि एनर्जी है कि मास है, कि मास से एनर्जी बनी, कि एनर्जी से मास बना है, तो ड्यूअल नेचर है ना वो, तो वैसे होल के बारे में। तो ये जो होल है, ये बोरॉन, हर बोरॉन एटम अपने साथ एक होल लेके आ रहा है जो इलेक्ट्रॉन को मंगाएगा, आओ 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 बोलो आओ आओ आओ, ऐसे बुलाएगा इलेक्ट्रॉन को। तो ये आओ कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सेप्ट। इसलिए बोरॉन को बोलते हैं एक्सेप्टर, क्या बोलते हैं एक्सेप्टर, क्या बोला इलेक्ट्रॉन को, आओ 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 बोलो आओ, तुम नहीं बोल रहे हो अरे तो यहाँ रेडियो बनता है, अरे आओ बोलो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या कह रहा है, आओ। तो अभी इलेक्ट्रॉन को बोला आओ, इसलिए हमेशा याद है, पूछा जाता है थ्योरेटिकली है, आता है 90% चैप्टर थ्योरेटिकली है, बोरॉन फास्फोरस ऑर्गेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ये सब इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर हैं, क्योंकि बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को आओ, ये इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर हैं, क्या है एक्सेप्टर, भीख मांग रहे इलेक्ट्रॉन, तो ये एक्सेप्टर है, क्या है एक्सेप्टर। ठीक इसी तरीके से अगर फास्फोरस डाला गया, तुम इधर पढ़ लो चाहे इधर पढ़ लो, दोनों एक साथ कैसे पढ़ लो, तो ऐसे तो नहीं, दुम्बो वाले तो नहीं हो तुम, दो दो हाथों से ऐसे ऐसे लिख लेते हो, ऐसे कैसे कर लो, ये तो पूछ रहे हैं। अच्छा वो वाला भी दो, अच्छा दो हाथों से अलग, दो पैरों से अलग, बंद कर दो, तुम भी बंद कर दो, घर में आराम से पढ़ लेना ना, क्या दिक्कत क्या, यहाँ पढ़ लो एक समय में, एक काम कर लो, तो रोक थोड़ी ना किताब पढ़ने से, हम तो कह रहे हैं एक चीज कर लो, या तो किताब पढ़ लो या तो ये कर लो, तो आगे बैठे हो अभी, या तो पीछे बैठो कहीं किनारे तो दिखाई ना दो तो ठीक है, उसके आगे बैठे हो उसके बाद आओ भी नहीं कर रहे हो। तो देखो ऐसा है कि बोरॉन जो है एक्सेप्टर है, क्या बोलो एक्सेप्टर है, लेकिन अगर नाइट्रोजन डाला जाता, फास्फोरस डाला जाता, ऑर्गेनिक डाला जाता, तो उसके पास तो पांच इलेक्ट्रॉन है, कितने पांच, अब वो पांच में चार तो वो शेयर कर देगा, सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में बैठा है, उसके बाद पांचवा इलेक्ट्रॉन बच गया, कहेगा ले लो जाओ जाओ कनेक्टिविटी बढ़ाओ, तो वो क्या है डोनर, क्या है डोनर है, जाओ ले लो ले लो ले लो, वो क्या था एक्सेप्टर। तो पेंटावेलेंट डोनर की तरह काम करते हैं, और जो ट्राइवेलेंट है वो एक्सेप्टर की तरह काम करते हैं, पेंटावेलेंट किसकी तरह काम करते हैं, डोनर, ट्राइवेलेंट किसकी तरह काम करते हैं, एक्सेप्टर। तो क्या होता है, जैसे ही तुम पेंटावेलेंट डालोगे तो अचानक से तुम्हारे पास कई सारे इलेक्ट्रॉन पैदा हो गए जो कहीं बॉन्डेड ही नहीं, फ्री वेंडर खुले सार घूम रहे हैं कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो इनके देखो ना कहीं से बॉन्डेड नहीं है ना, बंधे हुए नहीं है, खुले, तो ये तुरंत कनेक्टिविटी को बढ़ा देंगे बिना टेम्परेचर बढ़ाए, अब तो बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर कुछ ना कुछ तो बॉन्ड टूटे ही होंगे, लेकिन अलग से तुमको टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ना चार्ज कैरियर, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बढ़ गए, होल, चार्ज कैरियर चाहे होल के बढ़े चाहे चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन के बढ़े, बिना टेम्परेचर बढ़ाए भी कंडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट डाल के, ट्राइवेलेंट होल देता है जो कि पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर, क्या बोलते हैं पी टाइप सेमी ट्राइवेलेंट वाला, पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव यहाँ पे क्या है, ना तो बोरॉन है ना तो सिलिकॉन है ना तो ओरॉन मटेरियल है, पॉजिटिव यहाँ पे होल, क्योंकि यहाँ पे होल की वजह से कंडक्टिविटी आती है, तो ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, कैसा हो सकता है कि इसमें पी टाइप में कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, मैंने बोला कि पी में होल है, क्या सिर्फ होल है, क्या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, बिल्कुल नहीं, सोच लो है कहां से आया, वो तो इलेक्ट्रॉन
बॉन्डेड नहीं, लेकिन वो अपनी जगह नहीं बदलेगा, वो किस न्यूक्लियस के साथ अटैच होगा बेटा। एक देखो और तुम्हारी वजह है, और वो वजह ये है कि किसी भी टेम्परेचर पे जो कि 0 केल्विन नहीं है, कुछ ना कुछ बॉन्ड तो हमेशा टूटे रहते हैं। रूम टेम्परेचर पे भी कुछ बॉन्ड टूटे रहते हैं, भले बहुत कम ही सही, लेकिन माइन्यूट फ्रैक्शन ही सही, कुछ बॉन्ड टूटेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ होल तो लड़ ही रहते हैं, उसके ओवर एंड अबव होल्स और आ गए। तो अब तुम्हारे पास होल्स बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन भी हैं, इसलिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं मेजोरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो होल्स यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेजोरिटी चार्ज कैरियर, होल्स होंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, होल्स के साथ इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ भी होल भी रहते हैं, जो थर्मल मोशन से टूट के आए होंगे, बॉन्ड टूटने से आए होंगे। क्लियर? लेकिन ये अलग बात है कि ज्यादातर तो वही रहेंगे जो इम्प्योरिटी से आए होंगे। तो जो अगर मेजोरिटी चार्ज कैरियर से ही डिसाइड होगा कि वो पी टाइप है क्या एन टाइप है, अगर मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल्स है तो क्या होगा, पी पी में मेजोरिटी होल्स है, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, एन में क्या है, मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, माइनॉरिटी क्या होल्स। तो अब तुम्हारा एन इज इक्वल टू एन एच नहीं, अब तुम्हारे पास इंट्रिंसिक भी जरूर होता था कि एन इज इक्वल टू एन एच, एक्सट्रिंसिक में दोनों हो सकता है, एन एच मच मच ग्रेटर देन एनी भी हो सकता है, जीरो नहीं होगा उसको होगा, और एनी मच मच ग्रेटर देन एन एच भी हो सकता है। ये किसमें होगा, ये किसमें होगा, ये होगा यहाँ पे। लेकिन एक चीज है, एक लॉ ऑफ मास एक्शन होता है, मुझे पता नहीं बोलो सुना कि नहीं सुना केमिस्ट्री में, लॉ ऑफ मास एक्शन है नहीं तो पढ़ा था, हाँ क्या पढ़ा था। देखो ये एक रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन हो रहे हैं, रिकम्बाइन हो रहे हैं, एक रिएक्शन है। तो देखो इसमें क्या हो, जब बनते हैं तो हर समय इलेक्ट्रॉन होल की जगह बैठते भी रहते हैं, वो बॉन्ड बनाते भी रहते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन होल कैसे चल रहा है, इलेक्ट्रॉन उनकी जगह आते बैठ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉन जब आके बैठेगा तो बॉन्ड फिर से तो बनेगा, है ना। तो बॉन्ड टूटते भी रहते, बनते भी रहते, इससे कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस में हो सकता है कि एक साइड की रिएक्शन की तुम्हारी रेट ज्यादा हो, एक साइड की कम हो। तो लेकिन ये लॉ ऑफ मास एक्शन से वो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो डेंसिटी है इसका स्क्वायर, इसको मैं समझा देता हूं। ठीक है, इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अपनी एक चार्ज डेंसिटी थी, उसको मैंने लिख दिया ना, वो क्या एन ए जो बराबर था उसी को लाइक कर लिया। अब क्या होगा कि मान लो होल बढ़ गए तो इलेक्ट्रॉन कम बढ़ गए ना, तो तुम खुद देख पाओ, बताओ होल खूब सारे बढ़ गए तो ऐसा हो सकता है कि होल भी खूब सारे, इलेक्ट्रॉन भी खूब सारे ना, तो होल इलेक्ट्रॉन आपस में रिकम्बाइन हो जाते हैं ना। अगर होल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन भी खा जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो वो होल को खा जाएगा। ठीक है, वो खाने के बाद भी बचा रहेगा, क्योंकि वो बोल जाता है भाई तुम्हारे पास मान लो 1000 होल है और 200 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से 100 होल तो 100 इलेक्ट्रॉन को ऐसे न्यूट्रलाइज कर देंगे, इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस मिलकर 0 हो जाएंगे, बॉन्ड बन जाएगा फिर से। तो एक एन एच और एक एन ई, जैसे एक बढ़ेगा तो दूसरा उसी रेशियो में घट जाएगा, जैसे मल्टीप्लीकेशन कॉन्स्टेंट। तो देखो ये तो था, अभी क्या था, एन ई इंटू एन एच करें तो एन आई स्क्वायर था, अभी भी वही है, NaNH इक्वल टू NaS। ये लॉ ऑफ मास एक्शन, जो भी ना भी बोलो कुछ नहीं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, और ये तुम्हारा फॉर्मूला है। बुक में इससे भी क्वेश्चन दिया है, NI दिया हुआ है कि सिलिकॉन की इतनी तुम्हारी डेंसिटी है, पर इन वॉल्यूम होल की डेंसिटी इतनी है, बट इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, सीधे सीधे फॉर्मूला है NaNH इक्वल टू NaS, बुक में एग्जांपल के फॉर्म में दे रहे हैं। ठीक है, तो एक तुमको दिखा देता हूं एग्जांपल, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे नहीं लगता ये रिकम्बाइन कर जाएंगे और तब भी बहुत बचे रह जाएंगे। जब भी मौका मिलता है रिकम्बाइन, क्वेश्चन ये प्योर सिलिकॉन as Ne and NH equal as 2 into 10 power 6 per meter cube. Pure, pure का मतलब extrinsic, intrinsic, intrinsic per meter cube, ये दिया है।
डोपिंग बाई इंडियम, इंडियम कौन सा है, पेंटावेलेंट की ट्राइवेलेंट, बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम ट्राइवेलेंट, इंडियम डाला तो लिखा है कि होल की डेंसिटी 4 × 10^22 हो गई, होल की डेंसिटी कितनी होगी 4 × 10^22, होल की जो डेंसिटी हो गई बेटा तुम्हारी वो NH तुमको पता है, NI तुमको पता है, तो लास्ट में क्या पूछा है, कैलकुलेट एनी इन द डोप सिलिकॉन, कैलकुलेट एनी एनी, तो फॉर्मूला बता दिया मैंने क्या, एनी इंटू NH इज इक्वल टू NI, ये फॉर्मूला क्लियर समझ में आया, टूटे हुए एक जो तुमने बाहर से डाले उस टेम्परेचर से टूटे हुए बहुत कम होते हैं 150, बाहर से डाले वाले तो हमें पता है कि हमने कितने डालने हैं, जितने बाहर से इंडियम डाले वो एग्जैक्टली होल्स नहीं है, वो तो वो है जो ओवर एंड अबाउंड, बाकी कुछ टेम्परेचर के टूटे तो होंगे तो हम उस टेम्परेचर के टूटे वाले को नेगलेक्ट कर देते हैं और जितने बाहर से डाले उसी को होल्स की काउंट कर लेते हैं, हर इंडियम का एलिमेंट एक आइटम एक को लेके आएगा, तो तुमने मान लो 10^22 इंडियम डाले तो 10^22 में होल्स लिख दिया, उनसे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा है ना, हाँ वो हम नहीं देते ना, वो कितने हमें पता तो कहाँ कहाँ टेम्परेचर में डलते दिखते हैं और उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, तो वही तुम्हारे इसमें बोले बात समझ आई, तो आगे बढ़ते हैं, सर ये फॉर्मूला दोनों के लिए था, हाँ दोनों के लिए बेटा, ये तो तुमको बता ही दिया था, इसमें तो कुछ नहीं था, चलो ये सिलिकॉन है चारों तरफ, चार इलेक्ट्रॉन है, चलो कोई बात नहीं, तभी इसमें एक चीज को तभी से भी बताई जा सकती है, और ये कि जब तुम बैटरी लगाते होगे मान लो, तो जैसे ये तुमने बैटरी लगाई तो जो पॉजिटिव चार्ज होल तो वो तो इधर जाएंगे, yes. तो उनकी वजह से करंट किधर से आएगी, लेफ्ट से राइट, इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे उस इधर जाएंगे, लेकिन उनके करंट जो आएगी इलेक्ट्रॉन की वो तो इसी डायरेक्शन में आएगी ना, हाँ ना, तो वो तो इलेक्ट्रॉन दोनों की करंट एक दूसरे को कैंसिल करती है, अलाउ होती है, अभी तो कनेक्टिविटी जोड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन की जो करंट है ये दोनों एक दूसरे को ऐड होती है, क्या होती है, ठीक बस ये चीज है, अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आते हैं, आते हैं एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मुझे बताओ ये लेड कौन सा है, बोरॉन कौन सा है, नाइट्रोजन फास्फोरस ऑर्गेनिक इंटीग्रेटेड ये पेंटावेलेंट है, बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम और ये जो पीवी तो लेडी होता है ना, नाइट्रोजन फास्फोरस ऑर्गेनिक इंटीग्रेटेड क्या है, ये पीवी नहीं है, पी होगा पी, नाइट्रोजन फास्फोरस पी होगा, लेड तो नहीं होगा ना, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड वो तो सिलिकॉन के जैसा होता है ना, वो कहां से होगा, लेकिन वही कि जो इमेज में आपके उससे हो ये फास्फोरस क्या है, और फास्फोरस कौन सा बनेगा बोलो, और ये बोरॉन कौन सा बनेगा, ये पी टाइप का होगा, ठीक है, पी टाइप का बोरॉन का बनेगा एक्सेप्टर, आओ और ये क्या बनेगा फास्फोरस, ये क्या बनेगा डोनर, आओ सर पी टाइप में भी एनी का एनएनएस वगैरह, हां बिल्कुल डोनर, ठीक, तो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक होल जो प्योर फॉर्म में एक्सट्रिंसिक जिसमें मिलावट है, इसमें होल्स इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, इसमें होल्स इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होते, एक ज्यादा है, पी टाइप में कौन ज्यादा है होल्स, एन टाइप में कौन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, अब ये फर्मी लेवल क्या होता है, तो देखो ये फर्मी लेवल के बारे में कुछ बता दूं, ये होल्स की वजह से भी करंट होती है, हां बिल्कुल होती है, उनके चार्ज कैरियर है, क्या तुम लोगों ने कोई करंट डेंसिटी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया कि पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं क्रॉस सेक्शन से इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इतने बताओ टोटल करंट कितना लग गया, हां होगा वो पे तो है ना, हां वो तो पॉजिटिव चार्ज है, अरे धूम में तो देख रहा हूं ना, किया हो कहां से देखेगा, कहां से देखेगा, ठीक ये है कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ये क्या है वैलेंस बैंड, तुम लोग तो
कभी लगता था तुमको डील करने की रैपिड एक्शन फोर्स मंगाने और तुम लोग तो ऐसे लूटे जा रहे थे जैसे नहीं पुराने जमाने पे जो जैसे नहीं तुमको मालूम है रोमन एम्पायर पे ऊपर से जो पहले अभी नॉर्वे स्टूडेंट अनुमान थे वहां पे वैसे अनसिविलाइज लोग रहते थे तो वो लोग क्या करते रोमन एम्पायर पे लूट मारते थे जो मिलता था उनको खींच करके ले जाते थे तुम लोगों को देखे तो कुछ वैसे ही याद आती है तुमसे बड़े बच्चे इनके बीच में देखो अगर ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का है इसमें जब तुम कोई इंप्योरिटी डालते हो तो इंप्योरिटी डालने से क्या होता है इंप्योरिटी डालने से बेटा देखो ऐसा होता है इनमें कोई ब्रेक नहीं आता होता क्या है जो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको बोलते हैं फर्मी लेवल तो अगर तुम्हारा ये एन टाइप है तो एन टाइप में खूब सारे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे कंडक्शन पैदा हो रहे हैं तो फर्मी लेवल यहाँ आने कंडक्शन बैंड के पास ये एनर्जी लेवल है हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल है जहां पे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के पार जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से कंडक्शन बैंड में भी नहीं है पूरी तरीके से वैलेंसी बैंड में नहीं बट वो वैलेंसी से कंडक्शन के पास आ गए वैलेंसी से कंडक्शन के पास बिल्कुल एग्जैक्टली भी नहीं घुसे पास आ गए तो वो जो हाइपोथेटिकल लेवल है उसको बोलते हैं फर्मी लेवल क्या बोलते हैं अगर तुम्हारा पी टाइप है तो उस पी टाइप में ये हाइपोथेटिकल फर्मी लेवल कुछ कुछ इधर आ जाता है इधर आ जाता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वो जो कंडक्शन बैंड के पास ट्राई करते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं होल्स होल्स कहाँ होते हैं वैलेंस बैंड में जब वैलेंस बैंड में होल्स बनेंगे तभी तो तुम्हारा कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन आएंगे जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तभी तो यहाँ पे होल्स बनेंगे तो ये स्पीड एक एनर्जी लेवल है हाँ ये एक एनर्जी लेवल है एक सिंपली एक एनर्जी एक सिंपल लाइन है स्पीड तो जब ये एन टाइप सभी इलेक्ट्रॉन इतने वो फर्मी लेवल पे पाए जाएंगे वैलेंस बॉन्ड में कोई नहीं होगा ये एक वो लेवल है हाइपोथेटिकल में रिलेटिव में डिस्कस नहीं करता जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा का मतलब ही ये कि रैंडम है कुछ इलेक्ट्रॉन अंदर भी होंगे कुछ ऊपर भी होंगे कुछ नीचे भी होंगे प्रोबेबिलिटी ज्यादा का मतलब क्यों होगा कंपेयर टू अदर्स ज्यादा ऐसा नहीं कि सिर्फ यही पे होंगे ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है ठीक अब आगे बढ़ते हैं मान लो पी टाइप मेरे पास सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर है कंडक्टिविटी बढ़ गई तो कनेक्टिव बना के हम क्या करें अगर हमें कनेक्टिविटी बनाना होता ये सिलिकॉन है इतना महंगा मैंने क्या किया सिलिकॉन इंडिया मिलता है चाइना से मंगाते हैं दो सिलिकॉन इतना महंगा सिलिकॉन मंगाया और बोला कि कनेक्टिविटी बढ़ गई कनेक्टिविटी बढ़ गई अरे कनेक्टिव बनानी है तो कॉपर ही यूज कर लेते मेटल ही यूज कर लेते दूसरा कनेक्टिविटी बढ़ाना हमारा पर्पज नहीं है कनेक्टिविटी तो भाई आयरन की ज्यादा होती है कॉपर की ज्यादा होती है कॉपर इंडिया में भरा पड़ा ले लो को हाँ तो हमें इसका मतलब है कि कंडक्टिविटी बनाना पड़ता है हमें तो ऐसा मटेरियल बनाना है जो कि स्विच ऑन स्विच ऑफ किया जा सके
जब चाहे कंडक्टर, जब चाहे इंसुलेटर मैनिपुलेट हो सके, क्या हो सके तो मैनिपुलेट तो हो नहीं पा रहा अभी पी टाइप एन टाइप में, तो अब हम क्या करेंगे पी टाइप एन टाइप को मिला देंगे पी टाइप, हाँ कुछ ना कुछ करते हैं, एक एक शब्द बनाते हैं पी टाइप एन टाइप को मिला, तो एक पी टाइप एन टाइप को मिलाने से एक ऐसी डिवाइस बनी, एक जंक्शन बना जिसके दो टर्मिनल एक पी के साइड निकलेगा और एक एन के साइड निकलेगा, तो उसको बोलेंगे पीएन जंक्शन डायोड, क्या बोलेंगे पीएन जंक्शन डायोड, एक लो पी टाइप एक लो एन टाइप, ये देखिए ये है मान लो पी टाइप और ये है एन टाइप, दोनों को मिलाओ और इस दोनों की एक जंक्शन बन गई, एक तार यहां से निकालो एक तार यहां से निकालो, इट्स ए टू टर्मिनल डिवाइस, इट्स ए टू टर्मिनल डिवाइस, तो इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड, दो डायोड मतलब दो, लेकिन अगर मैं एक पी लू एक एन लू और एक और पी में ला लू, अब तीन टर्मिनल निकालो इससे 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 पी एन पी, तो उसको बोलेंगे ट्रायोड या ट्रांजिस्टर, क्या बोलेंगे ट्रायोड या ट्रांजिस्टर, उसे तीन टर्मिनल पी एन जी एन पी एन दोनों कर सकते हैं, उनका काम क्या है कभी मैंने बताया करोड़ क्या है कंडक्टिविटी बनाना है कि उसका स्विच बनाना, जैसे यहाँ पे क्या लगा है लैपटॉप के अंदर क्या लगा हुआ है इसमें इंट्रिंसिक्स नहीं हार्ड डिस्क होने कुछ करती है, हार्ड डिस्क तो खाली स्टोर करती है उसको सारे इंस्ट्रक्शन देने का काम सीपीयू करता है, उस सीपीयू क्या होता है चिप, उस चिप में क्या है उस चिप में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेमीकंडक्टर कौन से ना इंट्रिंसिक ना एक्सट्रिंसिक, उसमें बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सिंपली ट्रांजिस्टर, क्या है पीएनपी एनपीएन जो कि स्विच की तरह काम करते हैं, हर चिप में हाँ हर हर चिप में अभी कैसे काम करते हैं तो मैंने P और N को मिला दिया तो उसको बोलते हैं PN जंक्शन डायोड, क्या बोलते हैं PN जंक्शन डायोड, दो टर्मिनल डिवाइस होती है जिसमें दो टर्मिनल एक P के साइड और एक N के साइड, और अभी मैंने इसमें मैंने बताया एक एक चीज धीरे धीरे करेंगे, अभी मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, बाहर से कोई वोल्टेज नहीं लगाया है, जब हम बाहर से कोई वोल्टेज नहीं लगाते तो उसको बोलते हैं अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, क्या बोलते हैं अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, ठीक इस अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड को मैंने लिया, तो अब मैं इसको अलग से कर दूं या देखें मैंने कोई फिगर बनाया तो है चलो इस अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड में देखो क्या होगा, पी में खूब सारे होल्स हैं, एन में खूब सारे क्या है इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कि पी में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, है? ऐसा भी नहीं कि एन में होल्स नहीं है, लेकिन ज्यादा कौन है पी में होल्स एन में इलेक्ट्रॉन, ज्यादा क्या करेंगे, तो जैसे मान लो तुम्हारा खूब सारे होल्स हैं भरे पड़े हैं कमरे में, छोटी छोटी बॉल्स हैं हवा में तैर रही हैं, होल्स ऐसे जमीन में नहीं बैठे हवा में क्या कर रहे हैं तैर रहे, ऐसे खूब सारे कमरे में होल्स भरे हजारों और मैंने यहाँ पे डोर से बंद कर रखा है, अब मैं जरा सा भी डोर खोल दूं तो वो क्या करेंगे, सब नहीं बाहर जाएंगे लेकिन कुछ तो बाहर जाएंगे, धक्का मार के कुछ तो बाहर क्यों बिल्कुल आ सकते, अगर बाहर कुछ होता तो आ भी सकते थे, मान लो एक का कम करो इस रूम के दूसरे साइड जो लॉबी है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की बॉल्स हैं, किसकी बॉल है इलेक्ट्रॉन्स, वो भी खूब सारी भरी हुई है, अब मैं डोर खोलूं तो इधर से क्या भागेंगे होल्स, उधर से क्या भागेंगे इलेक्ट्रॉन्स, दोनों आ सकते हैं, क्यों आ रहे हैं कौन चला रहा है उनको, तो तुमको मालूम है जैसे कमरे में अगर मैं डीओ की बॉटल खोल दूं परफ्यूम की बॉटल खोल दूं तो उसके मॉलिक्यूल भागते कि नहीं भागते बिना किसी फोर्स के, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन जो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो बिल्कुल ऐसे ही तुमको बता दूं हम लोगों ने अब तक जो पढ़ी है डिफिनेशन थोड़ी सी मॉडिफाई कर दूं, करंट हमने पढ़ा है कि करंट तब होती है जब चार्ज को तुम किसी पोटेंशियल डिफरेंस पे चलाते हो, अब मैं तुमको बोल रहा हूँ कि वो एक पर्टिकुलर टाइप की करंट होती है जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट, क्या बोलते हैं ड्रिफ्ट, तब तुम्हें बोलते थे ड्रिफ्ट करंट, तुम बोलते थे एक ही तो करंट होती है उसको ड्रिफ्ट करंट बार बार बोलने का क्या फायदा, करंट तीन चार टाइप की होती है, एक होती है ड्रिफ्ट करंट, एक होती है डिफ्यूजन करंट, एक होती है डिस्प्लेसमेंट करंट, कौन सी करंट डिस्प्लेसमेंट करंट, अलग अलग होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट में कोई चार्ज ही नहीं चलता, ड्रिफ्ट करंट में वो पोटेंशियल डिफरेंस से चलता है, और डिफ्यूजन करंट में वो पोटेंशियल डिफरेंस के बिना चलता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई कंसंट्रेशन,
तो अगर तुम खूब सारे पॉजिटिव चार्ज रख दोगे तो वो बिना किसी वजह के धक्का मार मार के अपने आप को चलाएंगे, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, जैसे गैस के मॉलिक्यूल फैल जाते हैं वैसे होल्स फैल जाएंगे, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन करंट। तीन टाइप की तो मिनिमम तुम्हारे सिलेबस में ही है, कौन कौन सी बोलो? डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट। हाँ, एडी करंट भी हो सकती है, एडी करंट भी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा बताओ, बहुत सारे चौथी करंट में बहुत सारी टाइप की अलग अलग करंट है जिनके अलग अलग सोर्स हैं, अलग अलग विजन है। ये अलग बात है कि एडी करंट भी एक टाइप की कंडक्शन करंट ही है, क्योंकि जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो वहां पे ईएमएफ आता है। क्या आता है? ईएमएफ। और एक बार ईएमएफ आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, वो मेटल ही होता है, तो उसमें तुम्हारा अगर पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन चले तो है तो एक टाइप की वो कंडक्शन यानी कि ड्रिफ्ट करंट ही है। ठीक, तो अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग टाइप की करंट आ सकती है। सेमीकंडक्टर में दोनों टाइप की करंट हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट की तो ऑब्वियसली बात नहीं करेंगे, यहाँ पे कौन सी मैग्नेटिक फील्ड वगैरह है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी डिफ्यूजन करंट भी होती है और ड्रिफ्ट करंट भी होती है। डिफ्यूजन करंट होती है फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, और ड्रिफ्ट करंट होती है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, और एक कंसेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। दो टाइप की करंट हो सकती है, होगी कैसी तो वो भी बताता हूं। मैंने पी को एन से मिला दिया, कुछ भी नहीं किया तो अनबायस्ड, कुछ किया तो बायस्ड, कुछ किया मैं पी को ज्यादा वोल्टेज, एन को कम वोल्टेज, तो उसको बोलेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बायसिंग। और कुछ किया उसमें एन को ज्यादा रखा, पी को कम कर रखा, तो उसको बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। क्या बोलते हैं? रिवर्स बायसिंग। बायसिंग, बायसिंग का मतलब बाहर से वोल्टेज लगाना। अगर मान लो मैंने कोई वोल्टेज नहीं लगाया बाहर से, अनबायस्ड है, तो अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड में क्या होगा? ये देखो अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड है, इसमें खूब सारे होल्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन है, इसमें खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, कुछ होल्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बिकॉज ऑफ देयर कंसंट्रेशन। ये देखो होल्स यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, धड़धड़ा के चल पड़े। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, धड़धड़ा के चल पड़े। होल्स इधर चले, इलेक्ट्रॉन इधर चले, आपस में मिले, तो दोनों मिल गए, दोनों मिले और फिर मिल गए। क्यों? क्योंकि दोनों होल इलेक्ट्रॉन मिले का मतलब होल्स प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, दोनों मिलके, यानी कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर फिर से जो टूटा था फिर से वो तुम्हारा बॉन्ड बन जाएगा, वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गया उस जगह पे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बन गया। तो होल क्या, वो बॉन्ड में वैकेंसी तो है। तो देखो इधर आए इलेक्ट्रॉन, इधर आया होल्स, तो इधर होल्स इस साइड के इलेक्ट्रॉन से मिल रहा है और इधर का इलेक्ट्रॉन इस साइड के होल से मिल रहा है, दोनों साइड में होगा। हाँ, दोनों साइड में हुआ। अब मुझे बताओ ऐसा होने से होगा क्या? ऐसा होने से होल्स और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? रिकम्बाइन। अच्छा ये बताओ, पी और एन पे क्या नेट कोई चार्ज था कि पी और एन न्यूट्रल होते थे? न्यूट्रल होते थे। अब पी से खूब सारे होल्स निकल गए, खूब सारे होल्स निकल गए। अच्छा होल क्या होते हैं? होल है एक वैकेंसी, एक हाइपोथेटिकल वैकेंसी, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर पी से पॉजिटिव चार्ज निकल गया तो पी का जो न्यूक्लियस और क्रिस्टल और बाकी सब कुछ बचा, क्या वो अभी भी न्यूट्रल रहेगा कि वो अब नेट पॉजिटिव एक्वायर करेगा कि नेट नेगेटिव एक्वायर करेगा? ये होल चले गए ना, तो पी के साइड क्या आ गया बोलो? नेट नेगेटिव। और एन से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो एन पे क्या आ गया? नेट पॉजिटिव। समझे कि नहीं भाई? पी से होल्स निकल गए, कुछ जितने होल्स निकल गए उतना तुम्हारा नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? और एन पे क्या आएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव वो दोनों आपस में होल इलेक्ट्रॉन मिलके रिकम्बाइन हो गए। तो देखो यहाँ पे जहां पे बाउंड्री है, यहाँ पे क्या है? बाउंड्री, इंटरफेस, वहां के ये होल्स इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कि होल्स निकला यहाँ चला जा रहा चला जा रहा चला जा रहा बिल्कुल ऐसे, अरे उसको इतना चलने का मौका नहीं मिलेगा, इधर आएगा यहीं कहीं पे रिकम्बाइन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इतना जाएगा यहीं कहीं पे रिकम्बाइन हो जाएगा। हाँ, तो इंटरफेस के आसपास एक छोटा सा रीजन होता है जहां पे होल इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो जाते हैं और वहां पे कोई चार्ज कैरियर ही नहीं बचता, वहां पे कोई चार्ज कैरियर बचता ही नहीं, डिप्लेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। उस लेयर को बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। क्या बोलते हैं उसको? डिप्लेशन लेयर। तो पूछा जाता है, डिप्लेशन लेयर बोर्ड में आता है, डिप्लेशन लेयर क्या होता है? डिप्लेशन लेयर इज दैट लेयर, दैट रीजन near the interface where there is no majority charge carrier left due to recombination of electron and hole. Due to recombination of electron and hole, ये आपस में reaction करेंगे और कोई भी charge carrier नहीं बचेगा, तो वो जो region होता है वहाँ पे उसको बोलते हैं depletion। तो तुम बोलोगे यहाँ पे charge है तो, but ये वाला जो charge minus plus लिखा है, ये charge carrier का charge लिखा है
या फिर जो रेजिडुअल न्यूक्लियस है उसका चार्ज लिखा है? रेजिडुअल न्यूक्लियस जो कि मोबाइल होते कि इमोबाइल होते हैं? इमोबाइल, ये चलते नहीं है माइनस प्लस। हाँ ये तो बैठे हुए न्यूक्लियस के चार्ज, न्यूक्लियस अगर चल सकते होते तो फिर क्या ही था, तो तुम क्या है इलेक्ट्रॉन और होल से कंडक्टिविटी लेते हैं। तो ये स्टेशनरी चार्जेस है, मूवेबल चार्जेस नहीं है। तो यहाँ पे पी पे नेगेटिव आ गया, एन पे क्या आ गया पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव की जो प्लेट है इनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर आएगी? ये देखो एक पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने दिखाई है ये वाली, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक। पॉजिटिव किधर आया? एन के साइड। नेगेटिव किधर आया? पी के साइड। हाँ अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, अभी अभी बताओ फायदा है कुछ नहीं, ये हो रहा है नेचुरल प्रोसेस है, मतलब हमारे फायदे के लिए तो नहीं, ये तो नेचुरल प्रोसेस ऐसा होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? जो होल्स इधर की तरफ आ रहे थे क्या ये इनको आने देगी कि उनको रोकेगी? तो रेयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स लगाती है। होल्स डिफ्यूज करना चाहते थे इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी इधर, तो ये आने देगी कि रोकेगी? ये होल्स के लिए बैरियर क्रिएट कर रही है। क्या क्रिएट कर रही है? बैरियर। अच्छा इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहते थे बट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के इधर पहुंच लेगा अपोजिट, तो ये इलेक्ट्रॉन के मोशन को भी क्या करेगी? सपोर्ट करेगी, ब्लॉक करेगी, ब्लॉक। तो ये दोनों के मोशन को ब्लॉक कर देगी। तो क्या होगा कि शुरुआत में तो होल्स इलेक्ट्रॉन चलेंगे, फिर एक तुम्हारा तब तक चलते रहेंगे जब तक एक स्ट्रॉन्ग फील्ड ना आ जाए, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो जाए जब उनको दोनों के चलने को रोक दे। इसका मतलब ये प्रोसेस इलेक्ट्रॉन और होल का चलना हमेशा चलता रहेगा कि थोड़ी बाद रुक जाएगा, खुद ही रोक देता है। एक फील्ड जिसको बोलते हैं बेटा बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी फील्ड बोलते हैं? बैरियर का मतलब उसने बैरियर लगा दिया। तो पहले इधर से कोई होल भाग रहे थे, उधर से कोई इलेक्ट्रॉन भाग रहे थे, बीच में तुमने डोर बंद कर दिया तो इलेक्ट्रॉन भी रुक गए और होल भी रुक गए, उसको बोलते हैं बैरियर फील्ड। क्या बोलते हैं? बैरियर। बोले बात समझ में आई? अब ये बैरियर फील्ड रुक गई, चार्ज कैरियर का फ्लो रुक गया, इसको अब ये बैरियर फील्ड ये एस्टैब्लिश हो चुकी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर होती है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो कौन सा टर्मिनल हाई है, कौन सा टर्मिनल लो पोटेंशियल है? हां बोलो बेटा, आपको वॉइस खराब आ रहा है। यस सर, बहुत खराब आ रही है। अभी आ रहे तो की डायरेक्शन एन से पी की तरफ है, तो कौन सा हाई पोटेंशियल है, कौन सा लो पोटेंशियल है? नेगेटिव हाई होगा, पी लो। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव हाई पोटेंशियल पे है ये देखो, और पी लो पोटेंशियल पे, और उसने एक बैरियर बना दिया। हाई पोटेंशियल का मतलब MGH, हाई पोटेंशियल एनर्जी, एन ऊपर चढ़ के बैठा, पी लो नीचे चढ़ के बैठा है। तो इस होल को पी से एन जाने के लिए चढ़ाई करनी है, इतना बैरियर चढ़ना है, इतनी एनर्जी उसको चाहिए, है नहीं उसके पास, एक बैरियर क्रिएट हो गया, वो जा रहा है। पहले क्या था कि बिल्कुल दीवार नहीं बनी हुई थी, ठीक, तुम इधर जंप करके चले जाते थे, तुम्हारे स्कूल में दीवार नहीं बनी हुई थी, तुम बीच में ब्रेक में भाग जाते थे, फिर उसने बैरियर खड़ा कर दिया। क्या खड़ा कर दिया? बैरियर। अब तुम होल बेचारे चल के, तुम ऐसे कूद रहे हो, जंप कर रहे हो, वो बैरियर को तुम क्रॉस नहीं कर पा रहे हो, तो ना तो इधर होल जा पा रहे हैं, ना स्कूल के बाहर के जो नहीं स्कूल में आ जाते बीच में ब्रेक में, वो ना इलेक्ट्रॉन इधर आ पा रहे हैं, तुम्हारे दोस्तों का मिलना जुलना बंद, बैरियर क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? बैरियर। तो अरे अरे ऐसे कौन से स्कूल में कब एडमिशन ले लोगे, क्या करोगे? मजाक कर रहे हैं। तो अब ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स चलो ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स ये तुम्हारा बैरियर क्रिएट कर रहे हैं, इस बैरियर को बोलते हैं बैरियर वोल्टेज। क्या बोलते हैं? बैरियर वोल्टेज, बैरियर फील्ड, बैरियर वोल्टेज। बैरियर वोल्टेज वही जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आता है। कितना होता होगा? देखो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर मुझे डिप्लेशन लेयर की थिकनेस पता हो, मान लो dx, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन होता है E = dv/dr। E = dv/dr। E = dv/dr से मैं कैसे निकालूंगा? तो देखो बेटा ऐसा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है ये आता है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है 10^6 वोल्ट पर मीटर के ऑर्डर की। कितनी कर रही है? 10^6 वोल्ट पर मीटर। तो ये मैंने 0.5 × 10^6 लिखा, बट एग्जैक्ट वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। ये जो तुम्हारी बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ये 10^6 वोल्ट पर मीटर के ऑर्डर की आती है।
इसकी बैरियर फेल की, तो वो डीवी और डीआर की वैल्यू दे देंगे तब पूछेंगे, ऐसे नहीं पूछेंगे। ये तो वही 0.5 वोल्ट इनटू 10 टू द माइनस 6 थी वोल्ट सर। अरे यार ऊपर देखो यार, क्या करते हो यार, ये ऊपर नहीं लाओगे, नीचे लिखा हुआ, ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, चलो 5 × 10⁵ लिखा हुआ, अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वोल्ट पर मीटर में, 10⁶ वोल्ट पर मीटर, ये अच्छी खासी हाई है, ये इतनी अच्छी खासी आई, तुमको मालूम है कि अगर इतनी फील्ड तुम्हारी क्रिएट हो रही है तो इसका मतलब है कि जब तक तुम इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी तरह से ओवरकम ना करो तब तक तुम्हारा ये इंसुलेटर बना रहेगा, क्या रहेगा, इंसुलेटर। तो एक पीएन जंक्शन डायोड नॉर्मल कंडीशन पे जब तुम कोई बाहर से वोल्टेज ना लगाओ तो वो थोड़ी देर बाद एक बंद डब्बा हो गया, उसमें अब चार्ज करने का फ्लो नहीं हो सकता, उल्टा बैरियर क्रिएट, क्या क्रिएट हो गया, बैरियर। लेकिन ये बैरियर ऐसा नहीं कि सबको, सारे चार्ज कैरियर को रोक रहा है, ध्यान से देखो ये जो बैरियर क्रिएट हुआ है ये एन के इलेक्ट्रॉन्स को तो रोक रहा है, बट एन में कुछ इक्का दुक्का होल्स भी तो है माइनॉरिटी, वो होल्स तो चल सकते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा। ये तो ज्यादा है ना, तो इसे तो आयनाइजेशन, ये आयनाइजेशन कर सकता है, बिल्कुल सही कर सकता है ये, लेकिन कहां करेगा आयनाइजेशन, जहां पे तुम्हारे पास प्लस और माइनस अलग न्यूक्लियो हो, ये उस रीजन में जहां कोई चार्ज कैरियर ही नहीं बचा है, उस केमिकली इमोबाइल न्यूक्लियस बच्चे, उनका क्या आयनाइज करेगा। हाँ अगर ऐसी होती इतनी फील्ड, वही तुम कह रहे हो, सही कह रहे हो, ये मैं तुमको बोलते बोलते रुक गया था, ये एयर की डायलेक्टिक स्ट्रेंथ के बराबर है, अगर इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में होती तो एयर तक आयनाइज हो जाती। तो अब ये मुझे बताओ, ये एन के इलेक्ट्रॉन्स को तो रोक रहा, बट एन के अगर होल्स होते तो उनको तो चला देता और पी के इलेक्ट्रॉन को चला देता, तो जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हर टाइप के चार्ज कैरियर के मोशन को अपोज नहीं करता, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के मोशन को तो अपोज करता है बट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के मोशन को सपोर्ट करता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के मोशन को क्या करता है, अपोज, माइनॉरिटी को क्या करता है, सपोर्ट। बोले बात समझ में आई, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो कंसंट्रेशन की वजह से चल रहे थे वो थे डिफ्यूजन करंट, और अगर तुम उस करंट की डायरेक्शन देखो जो डिफ्यूजन की वजह से थी, तो देखो ये P है ये N है, तो होल से इधर जाए तो भी करंट P से मानी जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन से N से P है तो भी करंट से की तो मानी जाएगी P से N, तो नेट करंट तो P से N ही थी जो डिफ्यूजन थी, डिफ्यूजन करंट की से किधर होती है P टू N, लेकिन एक और करंट है जो इस बैरियर फील्ड की वजह से आएगी, और इस बैरियर फील्ड की वजह से किधर से आएगी, तो बैरियर फील्ड में जो ये होल चल रहे इधर और इलेक्ट्रॉन चले इधर, जो कि मेजॉरिटी की माइनॉरिटी, माइनॉरिटी चार्ज करंट है, तो माइनॉरिटी चार्ज कह रहे जो इलेक्ट्रिक फील्ड से चलेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से चलने वाली करंट को तो ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। तो मेजॉरिटी डिफ्यूजन शो करते हैं, माइनॉरिटी ड्रिफ्ट शो करते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कह रहे चलना बहुत कम हो गया, बट इक्का दुक्का तो चल ही जाएंगे, तो जब मेजॉरिटी चार्ज कह रहे इक्का दुक्का चलेंगे तो वो करंट देंगे पी से एन, और जो माइनॉरिटी इक्का दुक्का चलेंगे तो वो करंट देंगे एन से पी, तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जितना डिफ्यूजन हो रहा है उतना ड्रिफ्ट, दोनों इक्वल एंड अपोजिट, तो सर्किट में नेट करंट की वैल्यू कितनी, जीरो। एक है डिफ्यूजन करंट जो कि पी से एन है, एक है ड्रिफ्ट करंट जो कि किधर से किधर है, एन से पी, और दोनों का नेट करंट कितना हो चुका होगा, जीरो, क्योंकि मेजॉरिटी में इक्का दुक्का चल रहे होंगे और माइनॉरिटी तो वैसे होते ही इक्का दुक्का है, माइनॉरिटी तो वैसे ही कम होते हैं, तो दोनों करंट जब इक्वल एंड अपोजिट हो जाती है तो नेट करंट कितनी हो जाती है, जीरो, ये इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, डब्बा बन जाता है। बोले बात समझ में आई, डिफ्यूजन करंट बेटा जीरो का मतलब ये है कि बहुत कम होगा, लेकिन एग्जैक्टली जीरो कैसे होगा, कितनी भी स्ट्रॉन्ग फील्ड हो इक्का दुक्का होल इलेक्ट्रॉन तो इधर उधर घूमते घूमते पहुंचे जाएंगे, इक्का दुक्का बहुत कम, वेरी स्मॉल, बट कुछ ना कुछ तो जा ही सकते हैं, ये कैसे बोल देंगे कोई नहीं जा रहा, इक्का दुक्का तो जा ही सकते हैं, तो जो थोड़े बहुत जा रहे होंगे वेरी स्मॉल करंट दे रहे होंगे, जो कि ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो ही होगी, जीरो ही होगी लेकिन ऑलमोस्ट जीरो होगी, एग्जैक्टली जीरो नहीं होगी। अब ठीक है सर, मतलब ये दोनों करंट इक्वल आते हैं। हाँ ये दोनों करंट इक्वल आ जाते हैं, और दोनों बहुत कम होते हैं और दोनों अपोजिट होते हैं, इसलिए दोनों का नेट सम जीरो लिखा है। ठीक है बोलो, यस अरे बैठ बोलो, ठीक है यस ठीक। चलो मुझे एक्चुअली, मैं इसलिए बैठा था, मुझे कुछ लोगों की पीटीएम करनी थी, ऐसे तुम लोग मिलते नहीं, गायब हो जाते हो,
किसकी किसकी पीटीएम अब है? इस पीएन जंक्शन डायोड में मान लो मैंने कोई बाहर से वोल्टेज लगा दिया तो इसको बोलते हैं बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। क्या बोलते क्या हो गया? ब्रेक देखो ये सारी चीजें जो है मॉडर्न फिजिक्स की किसी ने देखी नहीं है तो ये मैकेनिक्स की तरह फील नहीं है। हाँ ये सारी चीजें जो है हाइपोथेटिकल ही हैं और ऐसा नहीं कि तुमको ही मुझको क्या किसी को भी फील इसमें ऐसे नहीं आएगी जब तुम इनको करोगे एक्सपेरिमेंट। अगर क्लास में पी इंजेक्शन डायोड बनाइए सर। पी लेके आए एन लेके आए और पी इंजेक्शन डायोड बनाए और पी और एन कहां से मंगाए? अमेजन से मंगवाए हैं और उसमें दोनों के प्राइस दिखा रहा हो 9500 और कुछ कुछ दिखा रहा हूँ डॉलर में $50 है सिंगापुर से मंगाए। पूरी सेल इसी में लगा दे पी इंजेक्शन डायोड और वो भी तुम जो है बारबेरियन बनकर लूट ले जाओ उसको भी चुरा लो लूटपाट कर लो। अरे सर आप टेलीस्कोप वाली बात क्या ना तो टेलीस्कोप दिखा दीजिए सर उसको भी इनका मतलब इसको भी लूट लेंगे। नहीं जब से हमने तुम लोगों का बारबेरियन वाला देख लिया है तब से तुम्हारे सामने टेलीस्कोप क्या छोटा वाला मैग्नेट भी नहीं लाऊंगा उस दिन मैं तो क्लास ले रहा था ये लोग पूरा के निकाल के भरे जा रहे थे जिस तरह से जल्दी से उस दिन से मुझे इतना गहरा सदमा लगा है मैं अपना मोबाइल भी यहाँ पे कमरे में नहीं छोड़ूंगा 10 बार चेक करूंगा मोबाइल रख लिया कि नहीं रख लिया मुझे डर बैठ गया है अब मैं नहीं अब मैं के काम कदम बढ़ाऊंगा। नहीं नहीं वो बारबेरियन इतने बारबेरियन थे वो लोग कि वो किंग क्या गरीब आदमी के घर में भी जाके सब लूट लेते थे बर्तन भांडा उठा लेते थे वो सिविलाइज तो नहीं था कि किंग को लूटे वो तो नहीं था कौन सा वो जो अमीरों को लूटता था गरीबों को देता था रॉबिन हुड तो ही ना थे। अगर वो अमीरों को लूटते तो रॉबिन हुड कहलाते वो बारबेरियन थे जो मिलता था वो लूट लेते थे बायोलॉजी मिलेगा बायोलॉजी लूट लेंगे बारबेरियन समझे नहीं रॉबिन हुड नहीं बारबेरियन। तो ऐसा है कि बायो बुक लिए भारे आ रहे थे इससे मतलब नहीं अरे केमिस्ट्री की किसकी मेडिकल कौन नहीं डालो चलो कोई बात नहीं हम नहीं वहां से तो छोड़ो मतलब सब लोग जो है कोई यहाँ से सब लूट ले लो सतीश से बात कर लेना बोला ये बिल्डिंग खाली हो गई है इसमें बायस मतलब बाहर से वोल्टेज लगा दो बाहर से क्या लगा दो वोल्टेज बाहर से वोल्टेज लगाने के दो तरीके हैं पी को पॉजिटिव एन को नेगेटिव पी को नेगेटिव एन को पॉजिटिव क्या होगा P को पॉजिटिव N को नेगेटिव करने से अगर तुमने एक बाहर बैटरी लगाई है जो P हायर है N लोअर है तो एक वोल्टेज क्रिएट होगा P से N की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर होती है हाई टू लो इधर ये एक्सटर्नल फील्ड है और बैरियर फील्ड किधर से आई थी N से P। अब दो पॉसिबिलिटी है या तो एक्सटर्नल फील्ड बैरियर फील्ड से कम है तब तो बैरियर फील्ड डोमिनेट करेगी रोके रहेगी मत निकलो मेजोरिटी को लेकिन अगर एक्सटर्नल फील्ड तुमने बैरियर फील्ड से बड़ी कर दी तो बैरियर टूट जाएगा चकनाचूर हो जाएगा उसके बाद लूट सको तो लूट लो उसके बाद पी चले एन की तरफ एन चले पी की तरफ और सब बिल्कुल धड़ाधड़ चलने लगे चार्ज का जो फ्लो रुका हुआ था बैरियर ने रोक रखा था अदरवाइज तो खुद ही डिफ्यूज किए हुए पड़े थे तो अचानक से जो इंसुलेटर था वो और एक करंट मिलने लगेगी पी से एन क्या मिलने लगेगी पी से एन और अगर तुम एन से पी की तरफ लगाओ तो वैसे ही तुम्हारा बैरियर क्या कम था कि तुमने एक और फील्ड लगा दी इधर एन से पी की तरफ तो और रोक देगा हाँ तब तो बेचारा कि ऐसी तो थी तसी और हो गई तो जो थोड़ा बहुत तुम्हारे मेजोरिटी चल भी रहे तो वो भी ब्लॉक हो गए वो भी क्या हो गए ब्लॉक हाँ थोड़ी सी माइनॉरिटी की थोड़ी सी करंट आएगी लेकिन वो माइनॉरिटी की करंट कितनी आएगी बहुत कम आएगी तो मेजोरिटी को तो ब्लॉक कर देगा माइनॉरिटी के मोशन को सपोर्ट करेगा माइनॉरिटी के मोशन को क्या करेगा सपोर्ट
लेकिन माइनॉरिटी है ही कितने, अगर माइनॉरिटी नामी माइनॉरिटी है इसका मतलब भी बहुत कम है, तो उनके थोड़ा बहुत चलने से क्या फर्क पड़ता, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो इसका मतलब है कि पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में तो करंट देता है, रिवर्स बायस में करंट नहीं देता। फॉरवर्ड बायस में ऑन है, रिवर्स बायस में ऑफ है, बन गया स्विच, यही तो था स्विच, इसी की तो बात कर रहे थे काफी देर से। तुमको सिर्फ क्या करना है, पीएन जंक्शन डायोड रखने हैं, वोल्टेज पी को हाई एन को लो तो करंट ऑन, एन को हाई पी को लो तो करंट ऑफ, 0101 बना सकते हो। सिर्फ वोल्टेज मैनिपुलेट करना है, क्या मैनिपुलेट करना है, वोल्टेज, स्विच बन जाएगा, स्विच बन गया 01 का, तो तुम उससे डिजिटल सर्किट बना सकते हो। डिजिटल सर्किट 01 पे तो ऑपरेट करते हैं, इस पे ऑपरेट करते हैं 01, तो ऐसे समझ लो कई सारे पीएन जंक्शन डायोड है और तुम उन्हें वोल्टेज चेंज कर दे रहे हो, क्या चेंज कर रहे हो, वोल्टेज, वोल्टेज चेंज करके कभी उनको कंडक्टर बना दे रहे हो, कभी इंसुलेटर। तो इस केस में जब ये फॉरवर्ड बायस होता है तो फॉरवर्ड बायस में वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, रिवर्स बायस में वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है, कौन हाई है कौन लो है, पी हाई है एन लो है, इसमें कौन हाई है, एन हाई है पी लो है, इसमें करंट किधर से किधर मिलती है, पी टू एन, और कैसी मिलती है, अच्छी खासी सिग्निफिकेंट, इसमें कैसी मिलती है, एन से पी, कैसी मिलती है, इनसिग्निफिकेंट, थोड़ी बहुत लिख ली माइनॉरिटी से थोड़ी बहुत आ जाएगी, इतनी इनसिग्निफिकेंट की टेंडिंग टू जीरो। तो इसमें पी से एन में इतनी ज्यादा करंट मिलती है कि इसका रेजिस्टेंस पी टू एन में ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो है, और इसमें इतनी कम मिलती है कि रेजिस्टेंस आर टेंडिंग टू इनफिनिटी। तो यानी कि यहाँ पे वो फॉरवर्ड बायस में कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है और रिवर्स में किसकी तरह, इंसुलेटर की तरह कर रहा है। बन गया स्विच। इसलिए एक पीएन जंक्शन डायोड का हम एक है अभी बताएंगे, अभी बता रहे हैं। तो ये तुम्हारा ऐसे बिहेव करता है, इसको P, इसको N। अब देखो ये जो एरो है ये P से N की तरफ है, ये बताता है कि एक PN जंक्शन डायोड P से N करंट फ्लो करेगा, बट हाँ ये N से P में देखो एक बैरियर बना है, क्या बना है, बैरियर, तो N से P को करंट को ब्लॉक कर देगा इनफिनाइट रेजिस्टेंस देके, और P से N के रेस को ये करंट को अलाउ कर देगा। तो ये एरो है और ये एक बैरियर है, इसको बोलते हैं एरो बैरियर, क्या बोलते हैं, एरो बैरियर। तो ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है, आज के बाद से पीएन जंक्शन डायोड का ये सिंबल बनाएंगे, बार बार पूरा पी और एन नहीं दिखाते, ऐसे दिखाते हैं, समझ में आया। सिंबल क्या बताता है, पी से एन तो एरो करंट मिलेगी पर एन से पी के बीच में कोई करंट नहीं, क्लियर, ठीक है। दो मिनट का ब्रेक लेते हैं, मैं भी पानी पी लेता हूँ, तुम भी पानी पी लो। सर बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा ना, हाँ सर ये वोल्टेज बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा ना, हाँ ज्यादा लगाना पड़ेगा, रिवर्स में तो करंट देगा। सर ये फॉरवर्ड में ड्रिफ्ट कम क्यों होता है डिफ्यूजन से, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, फॉरवर्ड बायस में जब तुम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो वो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवरकम करता है, काउंटर करता है, अपोज करता है। तो अगर एक्सटर्नल फील्ड बैरियर फील्ड से ज्यादा है तो वो क्या करेगा कि नेट एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लाएगा, इसको मैं लिखूं इनेट। तो ये इनेट दोनों टाइप के चार्ज करने को थोड़ी सपोर्ट करिए, इतना तो कॉमन सेंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाती है, दोनों साइड पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड वो मेजोरिटी में एक साइड माइनॉरिटी में, तो दोनों चार्ज करने को थोड़ी सपोर्ट करेगी, मेजोरिटी को सब किसी एक को सपोर्ट करेगी किसी एक को अपोज करेगी। तो पी में होल्स हैं,
भाई होल्स के तो वो देखो उसी तरफ है तो होल्स के डिफ्यूजन को तो सपोर्ट करेगी, पर जो एन में होल्स हैं, एन में जो इक्का दुक्का होल है मायनॉरिटी जो कि ड्रिफ्ट करते हैं बेटा, ये उनको कहां से सपोर्ट करेगी, उसके तो अपोजिट है। तो ये जो एन के जो होल्स हैं और पी के जो इलेक्ट्रॉन्स है जो माइनॉरिटी है उनको ये अपोज करे, ये एक्सटर्नल फील्ड है। और ये जो एन के होल्स हैं, ये एन के होल्स अगर इधर जाना चाहेंगे, इधर ड्रिफ्ट करना चाहेंगे, तो इनके ड्रिफ्ट को तो अपोज ही करेगी बेटा। सर ड्रिफ्ट करंट में तो पी से एन ही होगा ना, क्या कह रहे हो फिर से बोलो, ड्रिफ्ट करंट सर पी से एन ही होगा ना, पी से कैसे होगा, अभी दो छोटे पहले तुमको बताया था कि ये क्या लिखा है, तो भाई जस्ट एक पेज पहले क्या लिखा है, मेजॉरिटी चार्ज कह रहे डिफ्यूजन करते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कह रहे ड्रिफ्ट करते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कह रहे डिफ्यूजन करते हैं पी से एन, माइनॉरिटी एन से पी करते हैं, अभी तुम कैसे थोड़ी देर पहले तो बताया माइनॉरिटी एन से पी चलते हैं, यस पी से एन नहीं करते वो एन से पी चलते, वैसे भी माइनॉरिटी एन से पी, मेजॉरिटी पी से एन, ये उल्टे हैं, तो डिफ्यूजन को बढ़ाएगा ड्रिफ्ट को कम करेगा, रिवर्स बायस में क्या होगा ड्रिफ्ट बढ़ेगी डिफ्यूजन कम, ड्रिफ्ट बढ़ने का होता है जो वैसे ही बहुत कम माइनॉरिटी करते हैं, तो अल्टीमेट जो इनका जो नेट इफेक्ट होगा वो कैसा होगा जी, इसका करेंट वोल्टेज ग्राफ समझना, ये पीएन जंक्शन डायोड का करंट वोल्टेज ग्राफ है, वोल्टेज करंट ग्राफ इसलिए नहीं बनाते क्योंकि इनपुट में यहाँ पे हम वोल्टेज दे रहे हैं और आउटपुट में करंट मिल रही है, वोल्टेज हाँ यहाँ पे वोल्टेज क्या है इनपुट है और करंट क्या है आउटपुट, वीआई ग्राफ नहीं आईवी ग्राफ बनता है नंबर वन। नंबर टू यहाँ पे देखो यहाँ पे जस्ट ओरिजिन पे वोल्टेज जीरो था तो करंट जीरो थी तो ग्राफ जीरो से स्टार्ट हुआ। अब ये है राइट साइड वाला पॉजिटिव वोल्टेज यानी कि फॉरवर्ड बायस और ये लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव वोल्टेज यानी कि रिवर्स बायस। जब तुम पॉजिटिव वोल्टेज लगाते हो फॉरवर्ड बायस लगाते हो तो पहले जब तक तुम्हारी फील्ड बैरियर फील्ड से कम है, जब तक तुम्हारा एक्सटर्नल वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से कम है तब तक तो करंट नहीं बढ़ेगी तेजी से, लेकिन जहां तुमने बैरियर वोल्टेज से बड़ा वोल्टेज लगा दिया तुरंत तेजी से करंट बढ़ने लगेगी, तुरंत तेजी से करंट बढ़ने लगेगी। जस्ट मोमेंट वोल्टेज जीरो से बढ़ा है फॉरवर्ड बायस किया, तो फॉरवर्ड बायस किया तो ये वोल्टेज बढ़ाऊंगा जैसे ही मैं, तो ये बैरियर फील्ड को ओवरकम करने के बाद करंट एक्सपोनेंशियली तेजी से बढ़ेगी। अब ये करंट एक्सपोनेंशियली जब तेजी से बढ़ेगी तो तुम देखो इस ग्राफ की स्लोप तो इन्फिनिटी की तरफ भाग रही है, देखो वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो इस ग्राफ की स्लोप रेजिस्टेंस की वन अपॉन रेजिस्टेंस है, ध्यान से देखो ये आईवी ग्राफ है वीआई नहीं है, वीआई ग्राफ होता तो डीवी बाय डीआई होता रेजिस्टेंस होता, तो जब इस ग्राफ की स्लोप इन्फिनिटी जाएगी तो यानी कि वन अपॉन रेजिस्टेंस इन्फिनिटी जाएगा यानी कि रेजिस्टेंस कितना जीरो, वही मैं तुमको बता रहा था रेजिस्टेंस कितना होगा जीरो। अब क्या होता है कि जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उनका वीआई ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, तुम लोगों ने कंडक्टर्स में ओम्स लॉ पढ़ा था V प्रोपोर्शनल टू I, Y प्रोपोर्शनल टू X, तो वो Y इक्वल टू मेरी स्ट्रेट लाइन बनती थी, क्या सेमी कंडक्टर का IV ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बनना है, नहीं बनना ना, कर्व बनना है, इसलिए यहाँ पे एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस नहीं होता, इसीलिए जीरो से इन्फिनिटी के बीच का रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है और उसी में तुम वोल्टेज बढ़ा बढ़ा के रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हो, कंडक्टर बढ़ा सकते हो, कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, कंडक्टिविटी घटा सकते हो, यही तो होता है ऑन ऑफ करना, तुम वोल्टेज के थ्रू मैनिपुलेट करो, हमने पहले टेम्परेचर के थ्रू मैनिपुलेट करके देखा, फिर इम्पोर्टी के थ्रू करके देखा, अब हम वोल्टेज के थ्रू मैनिपुलेट कर रहे हैं, वोल्टेज के थ्रू हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस जीरो भी ला सकते हैं इन्फिनिटी भी ला सकते हैं, यही तो हमें करना होता है सर्किट। तो ये जो हमारा जो स्ट्रेट लाइन बना हुआ है कैसा ऊपर की तरफ ना, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये अभी तो इन्फिनिटी बोला, ये ऊपर की तरफ इन्फिनिटी 1090 वाई एक्सिस के पहले बोला, तो समझ आया। अब आ जाओ इधर रिवर्स बायस में,
रिवर्स बायस में नॉर्मली छोटे वोल्टेज पे कोई करंट नहीं होते। तो ये जो इन्होंने ग्राफ बनाया है इसको भूल जाओ, ये भूल जाओ, ये जीरो ही रहता है। अच्छा नीचे क्यों कर दिया है? क्योंकि अगर तुम रिवर्स बायस करोगे इधर एन से पी ले जाओगे रिवर्स बायस, तो पी से एन वाली करंट अगर पॉजिटिव मानी है तो एन से पी वाली उसकी अपोजिट डायरेक्शन वाली निगेटिव तो होगी। तो अगर ये पॉजिटिव साइड है तो ये निगेटिव साइड, निगेटिव में छोटी सी करंट मिल रही है जो कि डिफ्यूजन होगी कि ड्रिफ्ट होगी, ड्रिफ्ट। मेजॉरिटी डिफ्यूजन, माइनॉरिटी मेजॉरिटी डिफ्यूजन, पी से एन माइनॉरिटी ड्रिफ्ट, एन से पी। उबैद समझ में आया? उबैद यस सर। ऋषभ ऋषभ यस सर समझ गया। फिर से बोलो, मेजॉरिटी डिफ्यूजन, पी से एन माइनॉरिटी ड्रिफ्ट, एन से पी। अब वो जो माइनॉरिटी एन से पी है वो अपोजिट में बहुत कम, वोल्टेज बढ़ाते गए रिवर्स में वो कम ही रही, जीरो ही रही। ये ग्राफ काफी देर तक जीरो रहता है, बट जगह की कमी की वजह से उन्होंने हमें लगता है ऐसे जल्दी से बना दिया है, बट ये काफी देर तक जीरो जीरो रहता है। कितना रहता है? जी। लेकिन एक बात बताओ, तुम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो, रिवर्स में वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो। पिछले पेज में देखो, ये तुम्हारा ये इधर वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, बैरियर था इधर, मेजॉरिटी को रोका हुआ था, माइनॉरिटी को थोड़ा बहुत चला रहा था। माइनॉरिटी कितना चलेंगे है ही नहीं, तो कहां से चलेंगे, क्या उनकी करंट आएगी? कुछ नहीं आएगी। लेकिन बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, है तो यहाँ पे सिलिकॉन ही ना, कोई और चीज थोड़ी ना है। सिलिकॉन में जो इलेक्ट्रॉन, अभी क्या था कि वो तुम्हारे, तुम कभी तुम ये बोलते थे कि छोटी फील्ड है तो तुम क्या बोलते थे कि जो बॉन्ड्स टूटे वो टेम्परेचर की वजह से टूटे हुए हैं। लेकिन बॉन्ड खाली टेम्परेचर की वजह से थोड़े टूटते हैं, फील्ड की वजह से भी तो टूट सकते हैं। अगर तुम बहुत बड़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लार्ज कर दोगे, बहुत लार्ज, वेरी लार्ज कर दोगे, वेरी वेरी लार्ज, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो सिलिकॉन थे जिसमें तुम्हारा ये न्यूक्लियस था और ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन थे, ये ऐसा भी हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन हो इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स तोड़ तोड़ के इधर भागने लगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। उनका ब्रेकडाउन कर दिया, क्या कर दिया? ब्रेकडाउन। और अगर ब्रेकडाउन होने लगा तो टूट टूट के तेजी से भाग भागे लगी, ठीक। तो ये रिवर्स डायरेक्शन में भी फ्लो करने लगी, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में करेगा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी करता है, जहां पे करता है उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन वोल्टेज नॉर्मल नहीं है, इसलिए इस ग्राफ पर ये वाला पार्ट हम नॉर्मली नहीं बनाते, ऐसे ही बनाते यहां से यहां तक। तो हम सिर्फ ये बोलते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में पी से एन तो करंट देता है पर एन से पी करंट नहीं देता। उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस को एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब ये कि रूटीन नहीं है। हर बात हो रहा है तुम भाई, तुम पीएन जंक्शन डायोड कब करोगे? तुम डायोड और ट्रांजिस्टर नॉर्मल वोल्टेज पे करोगे ना, 2 वोल्ट 5 वोल्ट 10 वोल्ट 200 वोल्ट 10,000 वोल्ट, तुमके एक्सरे मशीन तो ही ना, तुम बड़ा सा ट्रांसफॉर्म उठा लाए उसी में लगा दोगे डायोड में छोटे से। अगर ऐसा कर दोगे तो ऑब्वियसली ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ऐसा करते हो तब जरूर हाँ वो रिवर्स में करंट देने लगता है। और जब ऐसा होता है तो दो टाइप के ब्रेकडाउन होते हैं, एक होता है जेनर, एक होता है एवलांस। क्या होता है? एवलांस। एवलांस क्या होता है कि तुमने कभी वो देखा कि ऐसे कहीं पहाड़ों में जहां पे बर्फ गिरती रहती है तो छोटा सा एक बर्फ का ऐसा टुकड़ा रोल करना स्टार्ट किया और वो जब गिरता है तो वो और आइस को एक्युमुलेट करता है, बड़ा होता जाता है और नीचे आते हैं तो वो पूरा तूफान बन जाता है। इसी को, हाँ इसी को एवलांस कहते हैं। क्या कहते हैं? एवलांस। तो जैसे मान लो बॉन्ड्स टूटे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, अब वो इलेक्ट्रॉन टकरा के बाकी आइटम से बोले तुम भी चलो हमारे साथ में और चलो पार्टी बारबेरियंस लेट्स गो टुगेदर लेट्स रॉक। तो एक 10 इलेक्ट्रॉन निकले थे, उन्होंने क्या किया? टकरा के बाकी आइटम से बोला तुम भी चलो पार्टी हो रहा, तुम भी चलो लूट लो चलो सब। तो चलने लगे, एवलांस स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया? एवलांस। 10 के बने 100, 100 से बने 1000, लेट्स रॉक करते करते तुम्हारा खूब सारे बन गए, तो उसको बोलेंगे एवलांस। हाँ उनका पूरा दुनिया बच गई बारबेरियंस की, हाँ उसका, उसको बोलते हैं एवलांस। क्या बोलते हैं? एवलांस।
ठीक, ये तब होता है जब तुम्हारा धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते ले जाओ। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, खूब पहले से हम थोड़ी सी डोपिंग कर देते हैं। डोपिंग कर देने से क्या होता है कि डोपिंग करने से चार्ज कैरियर खूब सारे पैदा हो जाते हैं, और डोपिंग करने से तुम्हारे पास मेजोरिटी माइनॉरिटी कुछ इस तरह के हो जाएगा कि कम वोल्टेज में ब्रेक डाउन हो जाएगा। डोपिंग करना थोड़ा सा और ससेप्टेबल बनाता है ब्रेक डाउन के लिए। फिर जितनी ज्यादा तुम डोपिंग कर दोगे उतना ज्यादा तुम चार्ज कैरियर पैदा कर दोगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चलेंगे और टकरा टकरा के और को भी चलाने के लिए हेल्प करेंगे। तो डोपिंग अगर तुम बहुत ज्यादा कर देते हो तो कम वोल्टेज पे ब्रेकडाउन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं जनरेटर ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं? जनरेटर। तो ये दोनों टाइप का हो सकता है, जनरेटर भी हो सकता है और एवलांच। एवलांच का कोई मतलब नहीं, एवलांच कोई साइंटिस्ट नहीं, जनर एक साइंटिस्ट था उसके नाम पे, उसको डोपिंग हाई डोपिंग करा के कम वोल्टेज से रिवर्स ब्रेकडाउन करा दिया, उसको बोलते हैं जनर ब्रेकडाउन। नॉर्मल जो ब्रेकडाउन होते हैं उनको बोलते हैं एवलांच। क्या बोलते हैं? एवलांच। बोले बात समझ में? और जेनर का मतलब होता है हाई डोपिंग के साथ एक ही बार में। ये नॉर्मल ब्रेकडाउन एवलांच है जिसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी डोपिंग नहीं की गई, और जेनर का मतलब होता है ब्रेकडाउन एट हाई डोपिंग। ब्रेकडाउन एट हाई डोपिंग, हाई डोपिंग करा के तुम ब्रेकडाउन कराओ तो उसको जेनर ब्रेकडाउन करते हैं। हाँ ठीक है, जनरल सही बात है, एक ही बार में होता है, एडवांस जो होता है धीरे धीरे एक्युमुलेट होता है। नी वाला कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लो ये तुम्हारा फॉरवर्ड बायस है और इसमें तुमने एक फील्ड लगाई इधर से, मान लो तुमने फील्ड लगाई 10 वोल्ट पर मीटर, और बैरियर फील्ड है वो 20 वोल्ट पर मीटर है, तो 10 वोल्ट पर मीटर क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा, बैरियर को रोक तो नहीं पाएगा। थोड़ी बहुत अपने यहाँ हो सकता है कि धीरे धीरे फील्ड बढ़ा दो, थोड़ी बहुत करंट दे दे, लेकिन जब तक वो बैरियर को नहीं तोड़ेगा तब तक तो करंट नहीं बढ़ेगी ना। तो नी वो पॉइंट है जहां पे वो बैरियर को ओवरकम कर लेता है जिसके बाद करंट अचानक से बढ़ने लगता है। ठीक है, नी का मतलब क्या होता है? यही तो होता है ना नी। तो नी के बाद नी तक ये ऐसे घुटने के दम चल रहा है, पता है, घुटने के बल चल रहा है, मतलब धीरे धीरे चल रहा, और उसके बाद ये खड़ा होकर दौड़ने लगा। पहले ऐसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था, मैं तो लग रहा हूँ बाबूजी, उसके बाद खड़ा हुआ हमने पैरों के दम पे और दौड़ बिल्कुल तेज, उसके बाद दौड़ने लगे। अरे तुमने वो मूवी नहीं देखी, कौन सी? उदय शेट्टी वाली, जिसमें वो ऐसे लंगड़ा बना रहता है, लास्ट में पीछे से दौड़ने लगता है। वेलकम। हाँ वही, वो नी पॉइंट नहीं था, लास्ट में एक नी पॉइंट आता है जब वो अपने ऐसे कैसे फेंक देता है, वो कहता है मैं तो लंगड़ा नकली बना हुआ था। बिल्कुल वही पॉइंट है, नी पॉइंट। हाँ ये वो पॉइंट समझ गए, वही पॉइंट। नी का मतलब ही वही है कि नी का मतलब घुटनों के दर्द चल रहा है, बहुत कम करेंट है। जैसे ही नी पॉइंट ओवरकम करोगे अचानक से करंट बहुत तेज होगा। सर ये जब वोल्टेज बहुत ज्यादा रिवर्स में बढ़ा देंगे सर, तो बैरियर भी तो और स्ट्रांग होता जाएगा ना सर, तो करंट क्यों बढ़ेगा? बैरियर क्यों स्ट्रांग होता है? बैरियर उसकी वजह से आता है क्या? एक्सटर्नल वोल्टेज की वजह से। बैरियर तो अनबायस्ड की वजह से था ना, ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन की वजह से। यस अनबायस्ड। बोलो एक आईवी ग्राफ समझ आ गया? Yes, बेटा आईवी ग्राफ समझ में आ गया सर। तो ये समझ में आ गया कि फॉरवर्ड बायस बड़ी इजीली दे देता है, और रिवर्स बायस में देखो इस ग्राफ की स्लोप जीरो है, तो इसकी तो रेजिस्टेंस जीरो थी, इसकी स्लोप जीरो है, तो इस रीजन की रेजिस्टेंस कितनी होगी? एक दिखा देना। लीकेज करंट का मतलब ये है कि कुछ करंट तुम्हारी मतलब लीक कर सकती है अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे मान लो हमने कोई करंट फॉरवर्ड बायस में पीछे ले रहा है, बट कई बार क्या होता है कि हम हटा भी देंगे एक्सटर्नल वोल्टेज, तब भी कुछ ना कुछ करंट जाती रहेगी सर्किट में। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा चार्ज कैरियर डिफ्यूज कर रहे हैं वो ऑलरेडी करते जा रहे हैं, तो करंट तुम्हारा कुछ ना कुछ देती रहेगी। लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि अगर पीसीएन या एनसीपी में होल्स इलेक्ट्रॉन चलते रहे तो रिकम्बाइन होके उसको सर्किट को खराब करते रहेंगे। तो जैसे लीकेज होने से एनर्जी का लॉस होता है, वैसे यहाँ पे चार्ज कैरियर का लॉस होता है। ये तब है जब एक बार वोल्टेज लगाने के बाद हटा दो, ऐसे नहीं कि अनबायस रखा है, अनबायस, लेकिन एक बार लगाने के बाद बता दे। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग पे कुछ क्वेश्चन। तो ऐसे सर्किट जहां पे डायोड और रेजिस्टर दोनों लगे होते हैं उनको बोलते हैं डायोड रेजिस्टर सर्किट। देख रहे हैं क्वेश्चन? Okay.
चलो इनको बोलते हैं डायोड रेजिस्टर सर्किट, क्या बोलते हैं डायोड रेजिस्टर सर्किट। कुछ क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ, सारे अभी करेंगे। पहले के बच्चे कहते थे कि सर सारे हम करेंगे, अब कह रहे सारे आप करेंगे। चलो इधर आओ। हाँ बहुत ज्यादा बिगड़ गया तुम लोग। चलो इधर देखो, ये एक डायोड दिख रहा है, ये जीरो वोल्ट दिख रहा है, और इसका मतलब कितने वोल्ट होता है, जीरो। अब ये दूसरे साइड ये माइनस फाइव दिख रहा है, तो बताओ कौन ये कौन हायर है कौन लोअर है। ये देखो ये एरो पी होता है और ये बैरियर एन होता है, कौन हायर कौन लोअर। जीरो हायर, यार ये एन है, पी हायर, कौन हायर है कौन लोअर, पी हायर एंड लोअर, कौन सा बायस होता है फॉरवर्ड। तो पक्की बात है करंट देगा कि नहीं देगा, ये करंट देगा। ठीक, पूछा गया था कि तुम उनका बायसिंग, तुमसे पूछा गया कि कौन सा बायस है, तो पहले वाले में कौन सा होगा फॉरवर्ड बायस, दूसरे का बताओ। देख लेना ये पी है, ये एन है, बोलो एन हायर पे पी लोअर, कौन सा होगा रिवर्स बायस। रिवर्स बायस, ये वाला क्वेश्चन बताओ। अच्छा इससे पहले ये वाला बताओ, फिर एग्जांपल फाइव, ये एग्जांपल फाइव, डिटरमाइन द करंट इन द सर्किट शोन इन द फिगर अज्यूमिंग डायोड्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन जिनका वीओ मतलब जब उनमें करंट जाएगी तो वो 0.7 वोल्ट देंगे। देखो ये 20.7 है, 4 है, तो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चलना स्टार्ट हुई। ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, तो बेटा दोनों में D1 D2 में कौन सा फॉरवर्ड है कौन सा रिवर्स है। ऊपर वाला फॉरवर्ड है, नीचे वाला रिवर्स, ये बात समझ में आ रही है। अगर ऊपर वाला फॉरवर्ड है नीचे वाला रिवर्स है तो नीचे वाला तो कोई करंट नहीं देगा, खाली ऊपर वाला करंट देगा, ये बात समझ में आ रही है। ऊपर वाला करंट देगा तो बेटा कितनी करंट देगा, देखो यहां से यहां तक अगर मैं V इक्वल टू IR लगाऊं तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 20.7 से लेके, मैं किरचॉफ इक्वेशन लेके जा रहा हूं, 20.7 माइनस I इंटू 2 किलो ओम है तो 10^3 लिख लो, माइनस D1 में भी कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है ना, कितना ड्रॉप हो रहा है 0.7, और फिर कहां पहुंच जा रहा हो 4। अब तो आई सॉल्व करके निकाल ही सकते हो, इक्वेशन समझ आई आज तक, बोलो करेंगे डायरेक्शन में माइनस आ गया तो लिख दो, समझ आ गया। ठीक चलो अब ये इस क्वेश्चन पे आओ, ये वाला तुम करके बताओगे मुझे, एग्जांपल 6। सर ये I टाइम्स 0.7 होगा ना, वहां पे I इंटू 0.7 क्यों होगा, 0.7 तो बेटा वोल्ट है ना, तो I इंटू 0.7 कैसे कर दो कि वोल्टेज में I को मल्टीप्लाई करोगे, वो वोल्टेज ही है 0.7 से। अच्छा ओके सर, सर ये वोल्टेज तो जी तो लिखा है, ये वोल्ट तो होता है 0.7 V। बताओ पीटीएम करना था, चलो बताओ बोलो बोलो बेटा बताओ दिल्ली बताओ। देखो ये 24 है, ये 0 है, ये तो समझ में आ रहा है कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ये वाली डायरेक्शन है। अब करंट किससे जाएगी, सिलिकॉन से कि जर्मेनियम से, नहीं यही तो ट्विस्ट है कहानी में, किसी का खेला हो गया। देखो जब ये तुम्हारा करंट चलने की कोशिश करेगी तो पहले
देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम में किसका पोटेंशियल डिफरेंस कम है? जर्मेनियम का कम है। तो वो क्या करेगी, जैसे बैरियर फील्ड कोई तो ओवरकम करना होता है, और बैरियर फील्ड को ओवरकम करते ही वो जीरो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो पहले बैरियर किसका ओवरकम होगा, सिलिकॉन का कि जर्मेनियम का? इसका ओवरकम हो जाएगा, और जैसे इसका ओवरकम हो जाएगा, तुमने ग्राफ नहीं देखा था, तुरंत करंट जीरो, बिल्कुल रेजिस्टेंस जीरो बन जाता है। रेजिस्टेंस जीरो किसका होता है? एक शॉर्ट सर्किटिंग वायर का। और करंट हमेशा शॉर्ट सर्किट जाती है, नहीं एक रेजिस्टेंस और इधर एक शॉर्ट सर्किट हो किसके साथ जाएगी? रेजिस्टेंस के शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट ही तो जाएगा, रेजिस्टेंस जीरो जाता है। तो यही मैं पूछो, दोनों क्या एक साथ बैरियर ओवरकम होंगे कि पहले अलग अलग होंगे? अलग में पहले किसका होगा? जर्मेनियम का। और जर्मेनियम जैसे ही तुम्हारा जर्मेनियम में करंट जाएगी, ये शॉर्ट सर्किटिंग वायर बन जाएगा, रेजिस्टेंस जीरो बन जाएगा, और शॉर्ट सर्किटिंग करंट जब जा ही रही इसी पूरी की पूरी, तब उधर जाएगी क्योंकि जीरो रेजिस्टेंस का पार बन चुका है। समझ में आया? तो इसका मतलब है कि करंट क्या बनेगी, इक्वेशन 24 माइनस जर्मेनियम में कितना ड्रॉप हुआ था 0.3 माइनस आई आर की वैल्यू कितनी 3 10 पावर 3 इक्वल टू कितना 0 आई की वैल्यू निकालो। तुम्हें ये बोला था ठीक है, आई निकल आया, तो आई निकल आया तो वीए भी निकल आएगा भाई। यहां से यहां तक क्या होगा, वी इक्वल टू आई, वीए माइनस 0 इक्वल टू आई इंटू 3 10 पावर 3 आई निकल आएगा। तो यहां पर रख दो ठीक है, वी इक्वल टू आई आर, या सीधे सीधे भी कर सकते थे। 24 वोल्ट है, 24 में से जर्मेनियम के कितने गए 0.3, तो 24 में से 0.3 जाने के बाद 23.7 सीधे सीधे भी बोल सकते, क्योंकि कोई यहाँ पर रेजिस्टेंस तो है नहीं, तब भी आएगा आंसर वही आएगा। बोले बात समझ में आई? बेटा देखो पैरेलल में रेजिस्टेंस नहीं है, ये कंडक्टर नहीं है जिनके लिए तुम सीरीज पैरेलल के लॉ लगा देते, ये अलग टाइप की चीजें हैं, ये सेम ही कंडक्टर है, ये अलग है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक आगे बढ़ते हैं, ये तो डायोड रेजिस्टर सर्किट है, आगे बढ़ते हैं और डायोड का यूज करते हैं एक ऐसी चीज में जिसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। है मुझे टाइम है, काफी टाइम है, हाँ तो 5 मिनट में हो जाएगा टॉपिक खत्म। अरे याद नहीं रहता क्या हो बेहतर है, कई तुम्हें ये सब कितने सारे मैंने देखे इमेज कहाँ से तुम्हें देखे नहीं, कुछ उल्टे सीधे पड़े हुए हैं गूगल में डाल दिया जहाँ आ गया फाइव जूस जहाँ से आ गया तो ले लिया। तो देखो ऐसा है, हाँ और क्या नहीं लिखूंगा स्टोरी ऑफ जिसने 300 के वो ग्रीक सोल्जर्स है ना, वो पूरी दुनिया ले लड़ लिए थे 300 की कुछ करना शेर वेर के सामने, वो उनको मम्मी पापा उनको बचाने छोड़ते थे जंगल में। तो तुम 300 नहीं तुम 30 हो तो क्या हुआ, 30 की स्टोरी लिख दी जाएगी, काउंट कर रहे हो थर्टी, नाम लिखूंगा 30 स्टोरी ऑफ 30 बार्बेरियंस सुपर 30। देखो ऐसा है, तुम लोगों ने कभी ये सोचा कि मोबाइल का जो चार्जर होता है, उस मोबाइल के चार्जर में या ये जो लैपटॉप का चार्जर होता है, इस लैपटॉप के चार्जर में जो करंट होती है वो तो एसी सप्लाई की जाती है, लेकिन क्या हमारा सर्किट एसी करंट हैंडल कर पाएगा करंट कभी इधर कभी करंट, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, इनमें तो करंट डीसी जाती है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मोबाइल के चार्जर में या लैपटॉप के चार्जर में उस एसी को डीसी बनाने का भी अरेंजमेंट होता होगा, नहीं होता होगा? अच्छा एक और बात है, मोबाइल के चार्जर में तो कौन सी होती है, मोबाइल के चार्जर देखिए 5 वोल्ट लिखा रहता है और 5 वोल्ट डीसी लिखा रहता है, जबकि हमारा जो सर्किट होता है बोर्ड होता है वो तो एसी होता है, वो एक ट्रांसफॉर्मर भी होता है छोटा छोटा, मोबाइल का जो चार्जर है स्मॉल ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन 220 से 5 वोल्ट करता है, और फिर वो 5 वोल्ट की एसी को 5 वोल्ट की डीसी में भी कन्वर्ट करता है, और उसको करता है डायोड के, उसी को बताने जा रहा हूं। ये देखो ट्रांसफार्मर भी मैंने बनाया इसीलिए, क्यों, क्योंकि हमारे जो लैपटॉप और मोबाइल के चार्जर हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक तुम्हारे सर्किट्स हैं ये डीसी पे ही काम करते हैं, एसी में तो इनका सर्किट उड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो एसी कौन सी करंट होती है, एसी जिसमें तुम्हारा करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्ट करता रहता है, लेकिन
हमको अपने सर्किट में कौन सी भेजनी है, डीसी, भले तुम्हारा वेरिएबल डीसी हो, एक ही डायरेक्शन है, भले तुम्हारी एसी डीसी हो, आधी आधी अगर पास करे आधी को जीरो कर दे, भले वेरिएबल हो, है तो एक ही डायरेक्शन ना करंट, कम ज्यादा चलेगी बट कम से कम एक ही डायरेक्शन में तो जाए। अगर आधी साइकिल पास कर देगा, आधी नहीं करेगा तो उसको बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफाइड करंट। क्या बोलेंगे? हाफ वेव रेक्टिफाइड। ये कौन सी करंट थी? एसी। और ये कौन सी करंट है? डीसी। डीसी का मतलब डायरेक्शन से, भले वेरिएबल। और अगर तुम पूरी कर दो, अगर तुम पूरी कर दो, पूरी करने का मतलब ये है कि ऐसे ये थी तुम्हारी एसी करंट, इसमें तुम्हारी डायरेक्शन बदल रही थी, इसको तुमने आधी किया तो उसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। और अगर तुमने पूरी कर दी यू तो इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं? फुल वेव रेक्टिफिकेशन। बोले बात समझ में आई? हाफ वे में आधी और फुल वे में पूरी। करंट को नहीं बदल रहे, करंट को बढ़ा घटा भी दे रहे, खाली तुम या तो आधी ब्लॉक कर दे रहे हो या आधी की डायरेक्शन चेंज कर दो। ये कौन करेगा? डायोड करता है। इसका मतलब हम सबके मोबाइल चार्जर में डायोड है, हम सबके लैपटॉप चार्जर में डायोड है। लैपटॉप तुम लेके आओ, लैपटॉप जरूर खोल के दिखाऊंगा करूंगा अपने लैपटॉप के साथ, नहीं तुम्हारे लैपटॉप। हाँ तो अपना लेके आओ चार्जर, खोल के दिखो, खोल के आ रहे हो, तोड़ बिल्कुल बारबेरियन फुल वेव रखना हो सकता है किसी एक डायरेक्शन में, कोई भी हो लेफ्ट राइट, करके दिखाओ कि डायोड से कैसे होता है। डायोड कैसे, इसको जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। और डायोड जब ये रेक्टिफिकेशन करता है तो डायोड को बोलते हैं रेक्टिफायर। डायोड दो तरीके से कर सकता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। कैसे कर, अभी दो मिनट में बता दूंगा। देखो एसी इनपुट, एसी इनपुट पीएन जंक्शन डायोड लोड, लोड जो भी तुम्हारी डिवाइस है, ये जो एसी इनपुट है आधी साइकिल में इसको प्लस रखता है, इसको माइनस। तो तुम देखो बेटा ये पी है, ये N है, P पॉजिटिव N नेगेटिव। जब P पॉजिटिव N नेगेटिव होगा तो ये आधी साइकिल को पास कर देगा एज इट इज, एज इट इज। इसलिए पीएन जंक्शन डायोड को क्या भाई, पीएन जंक्शन कोई रेजिस्टेंस तो देता नहीं, जीरो रेजिस्टेंस देता है, उसका कोई लेना देना तो है नहीं, वो तो एक शॉर्ट सर्किटिंग वायर बन गया है, इतनी करंट ले जानी है, ले जाओ उसको क्या, या तो नहीं देगा तो नहीं देगा, और देगा तो वो फुल फ्लो में देगा, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा नहीं करता। एज इट इज तुम्हारा जो भी तुम्हारा था उसको पास कर दिया, अरे बता समझ आई। अब लेकिन आधी साइकिल के बाद जब बेटा ये पॉजिटिव से निगेटिव बनेगा और ये निगेटिव से क्या बनेगा पॉजिटिव, तो क्या पी निगेटिव हो जाएगा और एन पॉजिटिव। तुम दोनों पी क्या बन जाएगा निगेटिव और एन क्या बन जाएगा पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में बिल्कुल भी करंट पास नहीं करेगा, जीरो कर देगा, जाने नहीं देगा। आधी साइकिल पास कर रहा है, आधी साइकिल को जीरो कर देगा, है? आधी साइकिल पास कर देगा, आधी साइकिल को रोक लेगा। ये आधी साइकिल पास हो गई एज इट इज, आधी साइकिल बिल्कुल ब्लॉक हो गई, ये डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा है, किसी तरह काम कर रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर। समझ में आई? अब इसी टाइप के दो डायोड लगा दे, इसी टाइप के कितने डायोड लगा दे, दो, दो प्लस माइनस। देखो आधी साइकिल में, आधी साइकिल में ये प्लस है, आधी साइकिल में ये माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। तो क्या बेटा ये बताओ, आधी साइकिल में जब यहां से तुम्हारा ये इसको मैं जीरो रेफरेंस लेवल मान लू, जीरो के ऊपर है पॉजिटिव है, आधी साइकिल में ये जीरो अगर इसको मान लू तो ये नेगेटिव है, ये जीरो ये नेगेटिव है,
तो जब ये जीरो के ऊपर पॉजिटिव है तो पीएन फॉरवर्ड बनेगा, और आधी साइकिल में जब ये जीरो बढ़े नेगेटिव तो जीरो नेगेटिव से ज्यादा तो रिवर्स बन जाएगा। ओके, तो आधी पास कर रहा आधी पास नहीं करेगा, तो डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर बन गया। हाफ वेव रेक्टिफायर ठीक है, लेकिन इसमें कमी है, आधे टाइम में करंट पास नहीं कर रहा तो आधे टाइम में लैपटॉप बंद करके तो ना रखेंगे, हमें फुल वेव रेक्टिफिकेशन चाहिए। क्या चाहिए? फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए मैंने जो अपना ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर इसीलिए लगाया क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम वोल्टेज भी चेंज करते हैं, लैपटॉप का भी वोल्टेज चेंज करते हैं और मोबाइल का भी, उनको एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ही चलाते हैं। तो मैंने देखो ये नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर बनाया, तो पता ही है इसमें एक की बजाय दो डायोड लगा दिए, एक की बजाय कितने? दो। और जो लोड है वो यहां से सेंटर पे लगा दिया। किस पे लगा दिया? सेंटर। देखो ध्यान से देखो, सेंटर को मान लो जीरो, आधी साइकिल में ये प्लस ये माइनस, तो बताओ बेटा कौन सा डायोड फॉरवर्ड है कौन सा रिवर्स है? ऊपर वाला फॉरवर्ड है, नीचे वाला रिवर्स। तो करंट कैसे चलेगी? देखो ऊपर वाले फॉरवर्ड से चली चली, लोड पे गई लोड पे गई लोड पे गई लोड पे गई 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 और इधर आगे सेंटर पे, सर्किट कंप्लीट। आधी साइकिल में ये वाला क्या बन जाएगा? माइनस, ये जीरो ही रहेगा और ये क्या बन जाएगा? प्लस। तो करंट आई जीरो से, प्लस 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 लोड पे गई। अच्छा कौन सा फॉरवर्ड है कौन सा रिवर्स है तो बताओ? जब ये माइनस बन गया तो D1 क्या हो गया? फॉरवर्ड, सॉरी D1 क्या हो गया? रिवर्स। D2 क्या हो गया? फॉरवर्ड। तो D2 तो देखा करंट, तो तुम्हारी करंट कैसे आएगी? यहां से आई D2 में गई D2 में गई D2 में गई लोड में गई लोड में गई लोड में गई, लोड से आते आते थे सेंटर टैप पे चली गई। आधी साइकिल में D1 करंट देगा, आधी साइकिल में D2 करंट देगा, ओवरऑल तुम्हारी आधी साइकिल D1, आधी साइकिल D2, आधी साइकिल D1, आधी साइकिल D2 चलती रहेगी और ये तुम्हारी फुल रेक्टिफाइड करंट मिल जाएगी D1 D2 D1 D2। क्योंकि जब एक ही था तो D1 जीरो D1 जीरो, समझ में? तो इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं? सेंटर में क्या किया सर? सेंटर टैप में, सेंटर में क्या किया? सेंटर को जीरो रेफरेंस बनाया। सेंटर टैप का मतलब है कि ये जो लोड है इसका एक एंड बिल्कुल बीच में लगाया है, जो कि ना तो पॉजिटिव है नेगेटिव, हमेशा जीरो रहेगा। भाई अगर ये तुम इसको पॉजिटिव बोल रहे हो, इसको तुम नेगेटिव बोल रहे हो, तो बीच में एक पॉइंट होगा जिसको जीरो रेफरेंस मान सकते हैं वोल्टेज के लिए। यस सर, बस वही वाला पॉइंट है। जैसे तुम्हारा लोड है डी वन से करंट गई ऐसे 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 ऐसे, फिर ये इधर से होते हुए देखो ये वायर उठा हुआ है, सेंटर टैप पे चलेगी और सर्किट कंप्लीट हो गया अपर हाफ में, और अगली बार लोअर हाफ में बिल्कुल ऐसे नीचे वाले से चलेगी, नीचे से चलेगी और फिर सेंटर से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो आधे में फर्स्ट हाफ साइकिल में सेंटर टैप से ऊपर वाले में करंट जा रही है और सेकेंड हाफ में सेंटर टैप से नीचे करंट जा रही है, लेकिन ओवरऑल करंट पूरी चलती रहेगी। तो डायोड के कई सारे एप्लीकेशन है, एक तो तुमको अभी देखा तुमने फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में रजिस्टर सर्किट में, जिनमें तुम्हें ब्रांच में करंट नहीं फ्लो करानी वहां पे रिवर्स बायस लगा दो, जिनमें करानी वहां पे फॉरवर्ड लगा दो। दूसरा तुमने देखा एज ए रेक्टिफायर, एज ए रेक्टिफायर और भी पर्पज है, जनरल डायोड अभी बताऊंगा, टाइम आज अभी कम है। तो बोलो ये आधी साइकिल थी, आधी साइकिल में फॉरवर्ड है तो इसने करंट पास कर दी, आधी साइकिल में क्या रिवर्स तो इसने करंट को ब्लॉक कर दिया जीरो। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया? तो जब नेक्स्ट क्लास मिलेंगे तो उसके बाद डायोड की कुछ और पर्पज है, सिर्फ नाम बता दे रहा हूँ, कराऊंगा अगली क्लास में जेनर, फिर ये तुम्हारे जेनर पे क्वेश्चन कराऊंगा एक, फिर फोटो डायोड, सोलर सेल और एलईडी, सोलर सेल और लाइट इमिटिंग डायोड, डायोड का टॉपिक खत्म। तुम्हारे बोर्ड के हिसाब से सिलेबस खत्म हो जाएगा, लेकिन मैंने बोला है कि जेई मेन में तो तुम्हारा ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट भी है, जेई एडवांस में तो वैसे ही नहीं है, जब तक जेई मेन में ही है खाली, तो बोर्ड में तुम्हारे खाली यहीं तक है। ये तुम्हारा ये जो पॉइंट है लाइट इमिटिंग डायोड, ये बोर्ड के हिसाब से, सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से लास्ट है। सर ये लोड का एक एंड जीरो वोल्टेज क्यों किया सर सेंट्रल टैप? क्या बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो सर, ये लोड का एक एंड ये सेंटर में क्यों ज्वाइन किया जीरो वोल्टेज पे? ये तो किया ताकि उसको बना सके, अगर तुम सेंटर की वजह नीचे कर दोगे तो फिर फायदा ही क्या है? तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के बीच में खाली एक ही को फ्लो कराएगा,
हमें दोनों से फ्लो करानी है ना, डी वन डी टू से। डी वन और डी टू के बीच में कॉमन पॉइंट कौन सा है? डी वन वाला एंड डी टू वाला एंड की सेंटर कॉमन है? सेंटर कॉमन बनाना, डी वन डी टू के बीच में कॉमन पॉइंट बनाना है। ठीक, पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। तुम्हारा